So guys, hello, assalamu alaikum guys, welcome to the stream. कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, आज यहाँ पर होने वाला है ऑल स्टार पबजी मोबाइल चैम्पियनशिप के मैचेस. और जैसे कि आपने देख लिया कि गाइस, यहाँ पर जो लाइनअप है वो है भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लाइनअप जो है यहाँ पे हो चुकी है. आप देख सकते हैं कि गाइस, सीधे सीधे i8 ई स्पोर्ट्स आ चुकी है यहाँ पे. i8 ई स्पोर्ट्स है, 52 ई स्पोर्ट्स है, स्टार की पूरी टीम है, बबलू की टीम है, स्पिन्स की पूरी टीम यहाँ पर आता हुआ है, FM की टीम, MK गेमिंग, ICDS, DW, इरफान, एक्स मुक्तदर, रोर अबू बकर यहाँ पर आते हुए, एंड 14 नंबर की स्लॉट में अगर आप देखें तो जॉर्ड कैस्ट्रो आ चुके हैं, एंड PJ हयात यहाँ पे आने वाली हैं जो है साथ हैं. और यहाँ पर ऑल स्टार में स्मोक ओपी हैं, डेड सेक्स साइको है, नुटकुट वाईटी, क्यूट पांडा, अहमद ओपी, OSE स्पोर्ट, पायरो जोकर, रोमियो वाईटी, एंड TRT की टीम जो है यहाँ पे सारी की सारी जो यहाँ पे ज्वाइन करने वाली है शॉर्टली यहाँ पर. एंड तो गाइस, यहाँ पर जो है मैच जो है जल्दी ही, बहुत ही जल्दी यहाँ पर जो है स्टार्ट होगा. और तब तक के लिए जो यहाँ पर टीम्स की जो एंट्री है वो सब की हो जाए, उसके बाद जो है एंट्री होते ही मैच स्टार्ट होने वाला है. और आप सबको पता है कि भाई, जब मैच स्टार्ट होगा तो यहाँ मचने वाला है बहुत बड़ा ही भैया धमाका होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आज के जो लाइनअप है वो है बिल्कुल ही धमाकेदार लाइनअप है यहाँ की. आप देख सकते हैं, बस यहाँ पर जो है स्लॉट एडजस्टमेंट और ये सब अभी भी चल रहा है यहाँ पे. आई गेस सारे के सारे बंदे आते हुए, जैसे ही भैया यहाँ पर बबलू भी खेल रही है, सूफियान भाई बबलू इज़ प्लेइंग यहाँ पे. सो वेट करते हैं थोड़ा सा, वेट करते ही गाइस, यहाँ पर जैसे ही स्लॉट लिस्ट पूरी हो जाएगी, स्लॉट लिस्ट होते ही यहाँ पर भाई हम जाने वाले हैं टूवर्ड्स दी रूम. और यहाँ पर जो मैच स्टार्ट होने, बस मैच स्टार्ट होने का जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेट है. और यहाँ पर जो मैच स्टार्ट होते ही मज़ा आने वाला है गाइस. वैसे टाइम तो ऑलमोस्ट हो चुका है यहाँ पर, एंड सबके सब ज्वाइन कर चुके हैं. सो लेट्स वेट फॉर इट. लंदन किंग यहाँ पे भाई कह रहे हैं, पर कोई नहीं, चली यहाँ पे फ़िलहाल के लिए जो है थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर. एंड जैसे ये स्लॉट लिस्ट यहाँ पर जो है भाई पूरी होते ही जो है हम यहाँ पर जो है स्टार्ट करने लगेंगे रूम को. स्टिल वेटिंग, थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा एक दो मिनट दिए जा रहे हैं i8 ब्लेड फैन भाई. i8 की यहाँ पर जो फैन फॉलोइंग है पूरे पूरे पाकिस्तान में, हमको पता है कि कितनी ज़्यादा ही बड़ी है. सो बाकी आपको पता है, बट यहाँ पर जो है 52 ई स्पोर्ट्स जो यहाँ पर भाई 52 ई स्पोर्ट्स है, उसकी भी भाई फ़ैन फॉलोइंग अच्छे से यहाँ पर हमको पता है कि भैया पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट करने वाले हैं ये लोग BMWI में. तो गाइस, सपोर्ट करना मत भूलना इस टीम को. पता है आपकी अपनी टीम है यहाँ पर, तो सपोर्ट जो है फुल आना चाहिए यहाँ पर. एंड फ़िलहाल के लिए अभी भी रूम में एंट्री करते हुए पीजे हयात भी हैं यहाँ पे भाई रूम में एंट्री, वो ले चुकी हैं एक्चुअली स्लॉट नंबर 15 वगैरह देखो तो वो है उनकी टीम में. तीन बंदे थे यहाँ पर, पता नहीं यहाँ पर जो रूम जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है. यहाँ पर गाइस 27 की वॉचिंग आ रही है, तो गाइस फटाफट एक बार जो भी कोई साथ यहाँ पर देख रहा है, एक बार जल्दी से फटाफट से गाइस यहाँ पर आकर जो है आप फटाफट से लाइक कर दो यार स्ट्रीम को. अगर आप यहाँ पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक करना तो भाई किसी हालत में भी ना भूलना यहाँ पर स्ट्रीम पर. चलिए यहाँ पर जो है अभी जो है फ़िलहाल के लिए स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है. एंड रूम में एंट्री होते हुए भाई सबके सब जो है यहाँ पर रूम में एंटर कर चुके हैं. और यहाँ पर जो मेन चीज़ जो है यहाँ पर जो मेन पार्ट होता है एक इरेंगल का मैप का, वो होने वाला है जो प्लेन का पाथ है. अगर यहाँ हमको प्लेन का पाथ अगर हमको यहाँ पर बस कुछ सेकंडों के बाद देखने को मिल जाएगा, और जो है भाई प्लेन का पाथ जो दिखते ही ट्रीम जो है अपनी ड्रॉप की तरफ जाना जो है उनका ड्रॉप पॉइंट है वो लेना, वो वहाँ पर शुरू कर कोई नहीं जो है वेट करते हैं यहाँ पर. वेट करते ही जो है हम यहाँ पर
जो है स्टार्ट करने वाले मैचेस अगर आप यहाँ पर देखें तो गाइस, वैसे लाइनअप अगर आप एक बार देखें, लाइनअप यहाँ पर देखें आप, अगर तो बबलू की पूरी टीम है भाई यहाँ पर। वुल्फ है, मैन है, पीका ओपी है, बबलू दानी है यहाँ पे भैया। आई8 की टीम अगर आप जान रहे हैं, देखिए आई8 के कौन कौन से बंदे यहाँ पे खेल रहे हैं, तो आई8 की पूरी पूरी लाइन देते हैं। है क्यू है, ब्लेड है, यूस है, सब लोग हैं आ चुके हैं। 52 की तरफ से जो नॉक्टो, फेरो एंड डाकू एंड पेन यहाँ पे आ चुके हैं। स्टार की टीम अगर यहाँ पे देखो तो मेरेकल, उसामा, गॉड फ्यूरी एंड जेरो, ये तीनों के तीनों यहाँ, चारों के चारों यहाँ पर आ चुके हैं। फाइम की पूरी टीम यहाँ पे आ चुकी है भैया। वॉर फोफो है उनके साथ, टीओपी बाजवा जो है उनके साथ खेल रहे हैं, रोर पांडा वाइटी वो उनके साथ खेलते हैं। स्पिन्स की लाइनअप यहाँ पर अगर आप देखें तो स्पिन्स के कदीर हैं, गुलफाम है, राइजन डैडी एंड स्पिन्स के पैराबो यहाँ पर हमको देख रहा है। एमके गेमिंग की तरफ से जो है एसपीआर असद है उनके साथ, एफबीके है एंड टीओजी खान यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं। एफएम की लाइनअप की तरफ से यहाँ पर अगर हम देखें तो एफएम की लाइनअप में नासिर आ चुके हैं, बादशाह आ चुके हैं, ब्रांड आ चुके हैं, अंश आ चुका है। डीडब्ल्यू की टीम से इरफान नजर दी हेड, फ्रेंकी नेमर एंड रीपर, शाकाबूम, फोर वी शलू एक्स नैनो एंड बलोच फ्रॉम दैट 11 नंबर 12 स्क्वाड। पर चलिए यहाँ पर जो फिलहाल के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो प्लेन का पार्क जो है वो देखना यहाँ पर शुरू करते हैं। प्लेन का पार्क जो है एक तरह से पूरा का पूरा नॉर्थ की तरफ से होते हैं, साउथ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ से, साउथ वेस्टर्न साइड की तरफ से होते हैं। यहाँ पर जो ये जगह कवर करने वाला है वो है सेवरनी स्टॉलबर, यासनामे मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पर ड्रॉप क्लैश हमें बहुत यहाँ पर दिखने वाले हैं। रोजॉक है, शेल्टर मिल्टा से होते हुए नोवो एंड मिलिट्री की तरफ स्टिल अचीवेबल यहाँ पर हमको देख सकते हैं। बट मुश्किलें जो है टीम के लिए जो यहाँ पर ड्रॉप पॉइंट जिनके होने वाले हैं यहाँ पर, चॉर्जू पूल, रुइंस या हॉस्पिटल या गटका के रॉन्ग, अगर छोटे छोटे कंपाउंड या प्रीमॉस जिनका भी ड्रॉप पॉइंट होता है, उन टीम्स के लिए जो है थोड़ी मुश्किल है यहाँ पर हो सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीम्स ने जो है अपने अपने डेजिग्नेटेड ड्रॉप पॉइंट्स की तरफ जो है जाना यहाँ पर शुरू कर दिया है फिलहाल के लिए। बबलू की टीम जो है यहाँ पर उतर चुकी है, बबलू की टीम अपनी तरफ ड्रॉप पॉइंट की तरफ जाते हुए, बबलू की टीम जो है मुझे लग रहा है यहाँ पर जो है पहले एक दो बंदे थे जो फिलहाल के लिए एकदम जल्दी जल्दी से यहाँ पे उतर गए हैं, बट यहाँ पर जो है आई गेस जो पहली टीम जो यहाँ पर नीचे उतरने वाली वो गैस यहाँ पर जो है यासनिया की तरफ उतरने वाली है, वो मुझे लग रही है वो है स्पिन्स की टीम, क्योंकि स्पिन्स का टीम का जो यहाँ पर ड्रॉप पॉइंट है वो यासनिया रहता है हर वक्त, एंड यासनिया की तरफ जाते हैं ये लोग जो है फिलहाल यहाँ पर जो इनकी जल्दी जल्दी लूट जो है इनकी जल्दी जल्दी यहाँ पर होती है। कदीर को हम देख सकते हैं यहाँ पर एक फटाफट से लूट उठाते हुए, हेलमेट लेवल वेस्ट, हेलमेट और वेस्ट जो लेवल 1 का यहाँ होता है और लेवल 2 का बैकपैक यहाँ पर मिल चुका है, एंड स्प्लिट रोके स्प्लिट ड्रॉप ले चुके हैं एक दूसरे के एंगल मिल बनाते हुए यहाँ पर, एंड कदीर यहाँ पर लूट करते हुए फिलहाल के लिए। स्पिन्स के गुलफाम को अगर यहाँ देखें तो गुलफाम यहाँ पर यूएमपी के साथ जो है ऑलरेडी तैयार बैठ चुके हैं। गुलफाम के पास यहाँ पर यूएमपी है, बहुत ही मतलब भाई अमेजिंग वेपन है ये, एक तरह से जो क्लोज रेंज में जो ये चलाया जाता है ये भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है यहाँ पर। बट यहाँ पर जो हम दूसरी टीम्स की तरफ यहाँ पर हम चलेंगे यहाँ पे, एंड दूसरी टीम यहाँ पर जॉर्ड कैस्ट्रो की टीम यहाँ पर देखें कि जॉर्ड कैस्ट्रो की टीम यहाँ पर लूट करते हुए हमको दिखाई दे रही है, और जॉर्ड कैस्ट्रो की टीम यहाँ पर जो स्प्लिट ड्रॉप लेते हैं यहाँ पर जो इलाका है यहाँ पर अराउंड अराउंड वो वहाँ पर लूटते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं अराउंड मिल्टा और ये जो नोवो की ब्रिज की तरफ जो जाता है यहाँ पर, ये यहाँ पे लूट करते हुए हमको ये दिखाई दे रहे हैं। बट चलिए यहाँ से जहाँ हम फटाफट चलते हैं यहाँ पर, पायरो राफे ने जो है भैया यहाँ पे एक पहला यहाँ पर जो है नॉक निकाल दिया है। बट फिलहाल के लिए एक बार सारी टीम्स का ड्रॉप लोकेशन यहाँ पर देखते हुए हम जाएंगे, एंड फिलहाल के लिए आई8 की टीम की तरफ हम यहाँ पर चलते हैं। आई8 की टीम जो है फिलहाल अभी अपनी ड्रॉप लोकेशन की तरफ जाती हुई हमको दिखाई दे रहे हैं। चारों के चारों बंदे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी ड्रॉप लोकेशन में जाते हैं मिलिट्री के पास, मिलिट्री में अपना ड्रॉप पॉइंट यहाँ पर लूटते हुए, एंड उस यहाँ पर जो है बाइक लेकर अपनी लूट करने की कोशिश करेंगे। युजम जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं विद दैट ए के एम जो है उनके पास ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है, एंड AKM के साथ साथ जो है उनके पास जो है लेवल 3 का बैग एंड लेवल 3 का हेलमेट एंड साथ में एक फर्स्ट एड है उनके पास, फर्स्ट एड के साथ साथ जो लेवल 2 की वेस्ट भी यहाँ पर मिल गई है विद दैट M4। तो आई गेस इनका यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है भाई वो यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा होते हुए हम देख सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर हम IQ की बात करें तो IQ यहाँ पे अपने आराम से लूट करते हैं, M4 है उनके पास, आराम की जो लूट है एक मिलिट्री में वो बहुत ही अच्छे से हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड ब्लेड को भी एक बार हम दिखाते हैं तो ब्लेड भी यहाँ पर जो है लूट कर चुके हैं विद दैट UMP एंड M416 इन हैंड, ग्लेशियर हाथ में लेकर जो है वो आराम से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे। बट यहाँ पर जो है भाई हम देख सकते हैं कि 3X गैम्बलर यहाँ पर जो फाइट जो चल रही है वो चल रही है यहाँ पर इनकी फाइट एक्स रियानू के साथ,
और यहाँ पर जो वाटर सिटी की जो फाइट है भाई, वाटर सिटी की फाइट बहुत ही यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि वाटर सिटी में जो है कहीं ना कहीं आप ये पानी में जो है ट्रैप हो जाते हो थोड़े से थोड़े से, और उसके बाद जो मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ जाती है। बट दूसरी टीम की तरफ से यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर खो चुके हैं, वो है रयानो, जो उनकी टीम के जो मतलब ऑलमोस्ट जो सबसे मेन प्लेयर थे वो यहाँ पर जा चुके हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है, बट यहाँ पर जब लास्ट यहाँ पर एक और नॉक निकाल चुके हैं उनकी टीम, यहाँ पर M7 से जो है भाई वो एक स्प्रे मार रहे हैं जो बहुत ही ओपी स्प्रे यहाँ पर आते हुए M7 की तरफ से, और टीम नंबर 23 के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक्सपायरों की जो टीम है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके पास जो फिलहाल के लिए लूट जो है यहाँ पर बहुत ही कम होगी यहाँ पर, एंड फिलहाल के लिए उन्होंने जो है एक फॉल बैक करने का जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही अच्छा लिया, या एक एंगल बनाने के जो है वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको पता है कि टीम नंबर 23 के पास जो ये जो जितने भी बंदे हैं इनके पास यहाँ पर लूट जो है इतनी ज़्यादा नहीं होगी। बट यहाँ पर चलिए अभी जो है फिलहाल के लिए टीम नंबर 24 की तरफ चले, हम यहाँ पर UN क्योंकि वाकिफ़ हैं, अल्फ़ा स्पाइडर है, UN के अल्ताफ़ हैं, UN के सोलो बोल्ट हैं यहाँ पर, जो अपनी लिपोफका में जो है अच्छी खासी लूट करते हैं यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इनके पास जो अभी जो लूट होने वाली है बहुत ही अच्छी होने वाली है फिलहाल के लिए। अगर आप यहाँ पर देखें तो वाकिफ़ के पास जो है 15 बैंडेजेस, 3 फर्स्ट एड्स एंड 1 मेडिकेट जो है यहाँ पर आराम से इनके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, एंड सो लूट जो है यहाँ पर इनके पास अच्छी खासी दिखाई दे रही है, इनका कोई मसला नहीं है। बट यहाँ पर जो डेड सेक्स साइको एंड TSR से लावा और TSR के जो डेड सेक्स बाकी हैं उनकी तरफ चलते हैं भैया, क्योंकि इनकी यहाँ पे फाइट चल रही है, और यहाँ पर जो है इनकी ने जो एक प्लेयर पहले गवा चुके हैं, पर यहाँ पर जो TRT के प्लेयर हैं यहाँ पर सामने उनकी तरफ, एंड रोर के विजर्ड हैं, अंदर 3x गैम्बलर है वहाँ पर, बट उन्होंने वहाँ पर भैया एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर शायद से जो है डेड सेक लावा को जो है बहुत ही अच्छा फाइट में यहाँ पर निकाल दिया है। बट 3x के मिरेकल एंड गैम्बलर, क्या ये लोग आगे जाके हम लोग फाइट निकाल पाएंगे? बट यहाँ पर जो जो डेड सेक वजी है वहाँ की तरफ से उनकी जो स्प्रे आ रहा है 3x के ऊपर, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं डेड सेक वजी की तरफ से बहुत ही अच्छा M4 का स्प्रे कनेक्ट होता है, हेड शॉट जो है यहाँ पर लगा है 3x मिरेकल को यहाँ पे, एंड लावा यहाँ पर स्मोक्स करते हुए अपनी टीम को बचाने की कोशिश में, डेड सेक के साइको यहाँ पर बैठे हुए, डेड सेक के साइको यहाँ पर सामने है, बट यहाँ पर उनको पता है कि और क्या यहाँ पर रोर के जो विजर्ड हैं कुछ कर पाएंगे? AKM के साथ जो यहाँ पर बैठे हैं विद वन फर्स्ट एड उनके पास है, एंड फर्स्ट एड के साथ साथ जो उनके पास 8 बैंडेजेस ओनली, और वहाँ पर कनेक्शन बना था वहाँ पर ऑलमोस्ट 10 HP वहाँ पर छोड़ दिया है भाई, वहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 10 HP जो है रोर विजर्ड ने वहाँ पर छोड़ दिया है। I8 को भी दिखाएंगे गाइस, बट यहाँ पर जो फाइट है ये फाइट इंपॉर्टेंट अभी चल रही है, अभी I8 की फाइट नहीं होती, यहाँ पर बस I8 को भी दिखाया जाएगा। यहाँ पर जो रोर विजर्ड ने के लावा को यहाँ पर टेक डाउन कर चुके हैं वो लोग, डेड सेक के लावा को जो है वहाँ पर एक जो है कर चुके हैं टेक डाउन। बट क्या यहाँ पर रोर के विजर्ड जो है कुछ कर पाएंगे? अगर उन्होंने यहाँ पर ये 1v4 क्लच कर दिया तो भाई क्या ही बात होगी, डेड सेक के सेको यहाँ पर जो है फुल क्लच करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, विजर्ड को जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज होती है अलग अलग एंगल से जो TSR की टीम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर, एंड रोर के जो विजर्ड हैं वो भी यहाँ पे जाते हुए, एंड आई गेस द फर्स्ट स्क्वाड यहाँ पर जो एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे रही है वो है रोर विजर्ड, TAT यहाँ 3x मिरेकल एंड गैम्बलर जो है यहाँ पर जा चुके हैं, एंड द फर्स्ट कार्ड टू स्क्वाड टू गेट एलिमिनेटेड यहाँ पर ये हो चुकी है। एंड यहाँ पर जो है भाई मुश्किल है आई एट की टीम के लिए भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आई एट की टीम ने जो यहाँ पर भैया एक प्लेयर हमने गंवा दिया और वो है IQ, और यहाँ पर जो है ब्लेड जो है माने जाते हैं भाई ऑलमोस्ट पाकिस्तान के बेस्ट एंट्री फ्रैगर जो हम कहते हैं ब्लेड को, वो यहाँ पर अभी भी सर्वाइव करते हुए विद ऑल दी अदर पीपल जो उनके जो स्क्वाड के हैं वहाँ पे, वो दोनों जो है अभी भी यहाँ पर सर्वाइव करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर जो है व्यूअर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं, बट चलिए कोई नहीं, यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू करके देख लेते हैं कि उनके सामने कौन कौन सी टीम है। बट यहाँ पर टीम 21 जो है I8 के बिल्कुल सामने जो वो है HR सोमी की टीम जो है मुझे लग रहा है वो वहाँ पर हमें दिखा दे रहा है। टीम नंबर 21 फिलहाल के लिए वहाँ पे ब्रिज में जो है एक होल्ड कर रही है, ब्रिज जो है होल्ड करने की कोशिश कर रही है, और उनको पता है कि यहाँ पर पीछे से बंदे आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि टीम 21 ने जो है यहाँ पर बंदों को स्पॉट कर लिया है,
यहाँ पर जो 302 ब्रॉली है वो वहाँ पर जो खड़े होकर भैया ऊपर से एक ओवरव्यू दे रहे हो और पता चल इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी पूरी दी जा रही है। बट यहाँ से 52X पीछे से 52 की टीम आते हुए यहाँ पर डाकू पेन और यहाँ पर जो है फेरो जो है लोग आ चुके हैं मिलिट्री के। इस बार जो भैया एक अलग ही फाइट चल रही है पूरी टोटली अगर आप देखें तो। बट ये जो जोन का शिफ्ट है भाई, ये जो जोन का शिफ्ट है, अगर आप जोन का शिफ्ट यहाँ पर देखें तो भाई साहब कहीं नहीं पता है, क्योंकि अभी भी जो पानी पानी जो है यहाँ पर भाई क्या ही सीन जो ये प्ले कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। क्योंकि सीन ये है यहाँ पे कि पानी जब भी होता है तो जोन कहीं पर भी शिफ्ट हो जाता है, और ये जो हार्ड शिफ्ट है कुछ पता नहीं लगता है यहाँ पर किसी का क्या होने वाला है। बट कोई नहीं, यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जोन में एंट्री जो है वो कैसे होने वाली है। जोन में जो एंट्री है भाई यहाँ पर कोचिंग की के आसपास जो है टीम है यहाँ पे, एंड उनको ज़रा हम जो हम स्पेक्टेट करते हैं यहाँ पर रो रहा हूँ बबू बकर की जो पूरी पूरी टीम है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये लोग, एंड दे विल ट्राई टू गेट इन साइड द जोन। के पास जोन में जो एंट्री है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही आसान जो है ये जोन में एंट्री उनके लिए होने वाली है। बट फिलहाल के लिए जो मुश्किलें जो होने वाली है यहाँ पर, यही ये जो मिलिट्री का ब्रिज है भाई, यहाँ पर जो अभी फाइट होने वाली है ये बहुत ही खतरनाक होने वाली है। अब यहाँ पर देखते हैं बट यहाँ पर IAID के उसमें वहाँ पर एक नॉक निकाल लिया है फटाफट से, जो यहाँ पर IAID की तरफ हम यहाँ पर चलते हैं। क्यों यहाँ पर एक नॉक निकालते हैं, यहाँ पर शायद पुश की जो है कॉल आ चुकी है यहाँ पर, इनका पीओवी यहाँ पर हम देखने वाले टोटली IAID की पूरी पूरी टीम यहाँ पर होते हुए रहना है। उन्होंने वहाँ पर जो है उनको ब्रॉली को जो है नॉक करके फिनिश जो है कर चुके हैं, यहाँ पर नॉक फिनिश हो चुके हैं दोनों के दोनों। बट यहाँ पर जो है अभी फिलहाल के लिए IAID की टीम कंपाउंड की तरफ जाते हुए अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेगी यहाँ पर आराम से। एंड यहाँ पर जो उन्होंने आई गेस 52 के एक्स डाकू को वहाँ पे जो है आई गेस वहाँ पर स्पॉट कर लिया गया है ऑन द टॉप ऑफ दैट हिल, और वहाँ पर जो एक जो सक्सेस का स्प्रे की जाएगी वहाँ पर, बट नहीं, और उसी के साथ जो वो कनेक्शन जो है उनको डाकू के ऊपर जो दिया गया था वो नहीं मिला वहाँ पर उनको। बट यहाँ पर जो हम स्टार के गॉड फ्यूरी के ऊपर चलते हैं, स्टार के गॉड फ्यूरी ने अभी यहाँ पर जो है एक मिनी के थ्रू जो है भैया यहाँ पर एक अच्छा ही बहुत ही अच्छा नॉक निकाला था नाइकेस, वहाँ पर उन्होंने जो है छोड़ कर जो है टीम वहाँ पर आगे बढ़ते हुए जा रही है। एंड यहाँ पर जो है लंबोर्गिनी लेकर जो है वो आगे ज़्यादा बढ़ते हुए, एंड आई गेस उन्होंने वहाँ पर अपना जो है किल है वो कंफर्म किया गया है पहले। बट जोन का जो ये डैमेज है भाई, ये अभी भी ये लोग यहाँ पर सह रहे हैं, एंड दे आर नॉट गोइंग इनसाइड द जोन। जोन के अंदर जाना जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक बार जो बबलू की टीम की तरफ अगर हम यहाँ देखो तो भाई बबलू की टीम ने यहाँ पर 3 किल्स जो है ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बबलू के 3 वुल्फ के पास एक किल है, टैन के पास एक किल है, और पीका ओपी जो है एक एक किल अपनी टीम के लिए निकाल चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर जो जोन के अंदर जो रोटेशन है ये लोग ने, ये जो है इन लोगों ने देनी यहाँ पर शुरू कर दी है। बट फिलहाल के लिए जो जोन जो है वो छोटा होता जा रहा है, एंड यहाँ पर जो छोटी सी प्रॉब्लम उनके लिए प्रॉब्लम्स जो है उनके लिए थोड़ी ज़्यादा बढ़ते हुए, क्योंकि जोन का जो है अभी भी नहीं पता कि कहाँ बनने वाला है। जब तक ये ब्रिज और ये पानी इन्वॉल्व होता है तो भाई मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पर जो है इन्वॉल्वमेंट जो है पानी का वो कुछ भी हो सकता है, कि या तो पानी में भी जोन बन सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर फिलहाल के लिए हम जाने वाले हैं HR सोमी की टीम की तरफ। यहाँ पर अगर हम चलें तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर ब्रिज की तरफ जो है यहाँ पर फाइट होती है हमें दिखाई देती है IAID के उज़म की तरफ। हम यहाँ पर वापस जा चुके हैं एक घर के ऊपर जो है होल्ड करके जो है इनकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर प्लेयर को स्पॉट करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, एंड स्पॉट करते ही जो नॉक फिनिश देने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे। बट फिलहाल के लिए चलिए यहाँ पर जो है हम फाइम बाबा की टीम की तरफ चले। फाइम बाबा जो है फाइम बाबा YTV दे आर स्टिल इनसाइड द जोन, अभी भी जोन का डैमेज ले रहे हैं यहाँ पर, फाइट लेने की कोशिश करी जा रही है। और ये जो एक क्लस्टर बना है देखिए यहाँ पर, एक क्लस्टर जो है यहाँ पे ब्रिज के पास बना हुआ है टोटली, और दूसरा क्लस्टर जो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नोवो के ब्रिज के पास बना हुआ है जो है टोटल क्लस्टर ऑफ यहाँ पर बैठे। बट यहाँ पर जो गाड़ी के ऊपर एक स्प्रे देने की कोशिश की थी ट्राई टू कनेक्ट अहमद को, देखो भाई एक मिनट ब्रो मैं अहमद को भी दिखाऊंगा, जस्ट वेट, जहाँ पर फाइट हो रही थोड़ा सा वहाँ कॉन्सेंट्रेट कर, क्योंकि वहाँ पर निकालना जरूरी है। बट यहाँ पर जो है अगर आप देखते हैं स्पिन्स के गुलफाम ने यहाँ पर भैया एक यहाँ पर निकाल लिया है नॉगर्स भी, स्पिन्स के गुलफाम ने यहाँ पर DW इन्फॉर्म सॉरी कदीर ने जो यहाँ पे एक DW इरफान को निकाला था नाइकेस, वहाँ पर जो नॉक करके फिनिश कर दिया यहाँ पे। बट यहाँ पर जो FM रीपर बहुत ही मुश्किलों में होते हुए यहाँ पर कदीर ने अगेन FM रीपर को स्पॉट करके जो अगेन उनको नॉक करके जो फिनिश करने की कोशिश की जाएगी। FM रीपर भी यहाँ पर फिनिश होते हुए दिखाई देते थे हमको। यहाँ पर स्पिन्स की टीम जो बहुत ही अच्छा खेलते हुए यहाँ पर एक जो है उन्होंने मिल्टा का जो ये ब्रिज है वो बहुत ही अच्छे से होल्ड किया हुआ है। बट यहाँ पर जो मुश्किलें जो है सारी की सारी टीम के लिए बढ़ती हुई, क्योंकि जोन जो है टोटली जोन जैसा मैंने बोला था कि ये जो हार्ड शिफ्ट जो होगा जोन का वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होने वाला है, एंड दैट्स व्हाट इट हैज़ हैपेंड। जो जोन ने जो ये हार्ड शिफ्ट लिया है अब यहाँ पर जो ये क्लस्टर है ये वाला यहाँ पर जो भैया जो फाइट होने वाली है ये मतलब बिल्कुल ऐसी फाइट होने वाली है कि देखने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो अब जो जोन के अंदर एंट्री लेने वाले बंदे उनको तो भाई जोन के अंदर एंट्री लेने की
मतलब एक जो वो है वो नहीं दी जाएगी परमिशन। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ कुछ लोग जो पानी में से जाना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि पानी में जा सके जो है कहीं ना कहीं से जोन पकड़ा जा सकता है। बट एनी हाउ ऑन दी अदर हैंड अगर आप यहाँ पर क्लस्टर देखो तो यहाँ पर भैया MK की टीम है, 4RV की टीम है यहाँ पर, N52X की जो पूरी पूरी टीम है वो पानी से जाते हुए, I8 की टीम पानी से जाते हुए, एंड जो टीम बबलू है, बबलू ने भैया अभी भी यहाँ पर जो है ब्रिज होल्ड करके रखा है। बबलू को पता है यहाँ पर कि बंदे आएंगे, यहाँ पर जो है बबलू के जो POP है वहाँ पर तालियाँ बजाते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं फुल। एंड कोशिश ये है कि अभी भी जो है कहीं ना कहीं बंदों को स्पॉट करके जो है मारा जाए, बट अभी भी जो है बबलू के POP स्टिल ट्राइंग टू स्पॉट द एनिमीज। बट यहाँ पर जो है अभी अगर किसी और टीम की तरफ अगर हम यहाँ पर चलें तो भाई जॉर्ड कैस्ट्रो की टीम भी यहाँ पर जा चुकी है, एंड पीजे हयात की टीम यहाँ पर फुल हो चुकी है एक तरह से, एंड DW की भी टीम यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट फिनिश होते हुए। बट यहाँ पर जो है UNQ की टीम की अगर तरफ हम चलते हैं, UNQ की टीम जो है अभी भी स्टिल ट्राइंग टू एंटर द जोन, वो अभी भी जोन के एजेस से बाहर जाते हुए, एंड आई गेस जो मिलिट्री के उस पार वाले हैं उनसे जो उनके जो है वो लोग जो है जोन के अंदर एंट्री लेने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। बट UNK की जो वाकिफ है उनको भैया यहाँ पर जो है डैमेज दिया गया, देन UNK के जो सोलो बॉट है उनको जो गाड़ी के पीछे से ही उनको एक नॉक दिया गया फ्रॉम यहाँ पर आगे बढ़ते, बट उन्होंने यहाँ पर गाड़ी से उतार दिया। यहाँ पर जो UNK के वाकिफ के पास यहाँ पर आगे जो है बंदे आ चुके हैं, यहाँ पर जो है अब ये 1v1 फाइट होने वाली है बिटवीन पायरो राफे एंड UNK के जो बाकी यहाँ पर जो पीछे से उनका बैकअप आते हैं पूरा का पूरा, यहाँ पर UNK की टीम से एंड पायरोग्राफी की पूरी पूरी टीम यहाँ पर एलिमिनेट होता है हमको देखी जा सकती है। या नौ दी अंदर आने पर UNK की टीम यहाँ पर सर्वाइव करते हुए, इन UNK के वाकिफ के पास 2 किल हैं, अल्ताफ के पास 1 टीम जो है पूरी की पूरी हो चुकी है। बट चलिए यहाँ पर जो है हम चलते हैं रोड FM की टीम की तरफ, चलते हैं FM की टीम की तरफ, अभी तक हम यहाँ पर गए नहीं हैं, बट कोई नहीं। यहाँ पर जो FM के जो है नासिर, वाइती, बादशाह, ब्रांड एंड शाह जो हैं ये लोग जो हैं अभी भी जोन के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 52X के बंदे यहाँ पर जोन की तरफ एंटर करते फ्रॉम पानी से, एंड I8 की टीम पूरी पूरी टीम यहाँ पर जोन के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है। बट कोई नहीं, यहाँ पर जो I8 के ब्लेड जो है पहुँचेंगे पानी में, बट यहाँ पर जो उनके ऊपर स्प्रे आते हुए स्प्रे कनेक्ट करने की कोशिश करती है बबलू की तरह से, पैन I8 के ब्लेड को उन्होंने वहां पर नॉक करा है, वहां पर जो है उन्होंने स्पॉट कर लिया गया था I8 के उजम वहां पर बाकी है, क्या वो उनको एक रिवाइव दे पाएंगे जो उनको जरूरत है। I8 के उजम को भी वहां पर गोलियां पड़ते हुए एंड डैमेज जो है उनको भी पड़ रहा है वहां पर, एंड रिव्यूज जो है एक बंदा जो है जो सिर्फ ब्लेड के पास यहां पर रह गया है। बट क्या यहां पर उनको जो वो रिवाइवल जो एक जो क्रूशल रिवाइवल है वो यहां पर वो उनको दे पाएंगे या नहीं देंगे। ब्लेड को जो है यहां पर एक क्रूशल रिवाइव जो था वो मिल चुका है, बट वहां पर बबलू पेन की तरफ से बहुत ही अच्छा एक स्प्रे आया था M4 का, जहाँ उन्होंने I8 के ब्लेड को डाउन किया था। बट कोई नहीं, यहाँ पर जो है I8 की तरफ से जो है शायद ये सर्वाइवल देखने को मिल सकता है, एंड उज़म इज़ स्टिल बिहाइंड एंड ही इज़ स्टिल ट्राइंग टू स्पॉट। वहाँ पर जो है कोशिश ये की जाएगी कि उनको जो कहीं से भी करके जो है एक और नॉक जो है वो ना दिया जाए। यहाँ पर स्मोक्स बॉल्स अगर आप देखें तो भैया यहाँ पर स्मोक बॉल ऑलमोस्ट 6 स्मोक्स जो है यहाँ पर दिए गए हैं, और स्मोक जो है यहाँ पर 6 स्मोक्स के बाद जो है I8 ब्लेड रिव्यूज एंड उज़म अपनी अपनी जगह में यहाँ पर जो है पीछे जा चुके हैं। बट उज़म जो है वहाँ पर आगे बढ़ते हुए जहाँ पर जा रहे हैं, बट क्या उन्होंने वहाँ पर 52X के बंदों को वहाँ पर स्पॉट कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जो कहना है कि 52X के बंदों को यहाँ पर जो है स्पॉट कर लिया जा चुका है, तभी यहाँ पर जो उज़म आके आराम से जो है थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इनके पास भाई वेस्ट देखो, वेस्ट जो है लेवल 3 का ऑलमोस्ट 20% जो है यहाँ पर रह गया है इनके पास, बाकी यहाँ पर नॉकडाउन को स्पॉट करके इंस्टेंट नॉक जो है ये इंस्टेंट नॉक उन्होंने वहाँ पर यहाँ पर जो फिनिश करने की कोशिश की जाएगी उज़म की तरफ से जो है यहाँ पर 52X के नॉक्टो को। बट देखते हैं यहाँ पर क्या ही सीन, क्या ही यहाँ पर ये फिनिश कर पाएंगे या यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश आएगी, और यहाँ पर जो 52X के बंदों को जो है यहाँ पे एक रिवाइवल दिया जाएगा, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या ही होने वाला है। बट यहाँ पर जो यूज़म की तरफ से जो 6X का स्प्रे आया था वो बहुत ही अच्छा, 6X का स्प्रे जो कनेक्शन हुआ था उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा था। बट यहाँ पर जो है बबलू की तरफ से अगर हम बबलू की नहीं मतलब बबलू के POP ने यहाँ पर जो है एक और बंदे को यहाँ पर नॉक करना, बबलू के POP के पास यहाँ पर जो है करंटली भाई अचानक से यहाँ पर 5 किल्स जो हैं एकदम से इनके पास आते हैं, यहाँ पर हमको दिखाई दे चुके हैं। बबलू की टीम यहाँ पे
पिकअप करते हुए दैट पॉइंट्स एंड दैट नेसेसरी किल्स जो उनको चाहिए था भैया, वो वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर मिल चुके हैं। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि उनके के जो है टीओजी खान यहाँ पर पीछे आ चुके हैं। आई गेस बबलू के पिकअप ने यहाँ पर जो स्पॉट कर लिया, क्या उन्होंने यहाँ पर स्पॉट करके क्या वो उनको मार पाएंगे, क्या वहाँ पर जो है ये आरवी बॉट जो है टीम नंबर 21 की तरफ से जो है वो जो है उनको एक जो नेट्स जो है नेट्स दिए जा रहे हैं, नेट्स कहने के कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर ये नेट का कनेक्शन कहने का यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर जो टू किल्स जो है इनको आसानी से यहाँ पर बबलू के पीकॉक यहाँ पर मिल सकते हैं। बबलू के पीकॉक यहाँ पर बहुत आसानी से, बट यहाँ पर अगर आप फिर से चलें तो हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बबलू के तीन वुल्फ जो है यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ पर होते हैं 52 एचपी नंबर जोन में। आई गेस एमके यहाँ पर जो है स्पॉट करा जा चुका है फ्रॉम बबलू की टीम ने जो है यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फैम बासित वाइटी को जो है उन्होंने वहाँ पर जो है भाई फाइन वर्सिटी जो है उनको वहाँ पर फाइन वापस वाइटी सॉरी बासित वाइटी उनको जो वहाँ पर जो नॉक करके फिनिश कर चुके हैं वहाँ पर। एंड यहाँ पर जो है उनकी तरफ से जो किल्स जो है ये जो किल्स चाहिए वो आते हुए उनको दे देते हैं। जो पॉइंट्स हैं जो किल्स जो नेसेसरी वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्ले जोन अगर आप देखें तो बहुत ही बंदे यहाँ पर नॉक होते हुए, बट यहाँ पर जो है तीन वुल्फ को आया है एक बहुत ही कहीं से स्प्रे पड़ा है। मुझे नहीं पता किस बंदे ने यहाँ पे स्प्रे मारा है, बट लोग तीन वुल्फ को, हाँ भाई राइजन के डैडी ने यहाँ पे मारा। बट चलिए फिर से एक बार आईएट की टीम की तरफ, आईएट की टीम की तरफ जो है यहाँ पर जो है उनके पास 5 पॉइंट्स जो है। अरे यार आदिल गेमिंग भाई नोटिफिकेशन वो आते ही रहता है यार, वो स्क्रिम्स चलते रहते हैं, क्या करूँ सॉरी, तो क्या करें, बट कोई नहीं। बट फिलहाल के लिए जो यहाँ पर जो आई8 की जो पूरी टीम है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रोटेशन देकर जो है भैया अपने आप को जोन में जो है भैया जा चुके हैं, ठीक है जोन में जो ये लोग जुटे हैं। बट यहाँ पर जो है अब यहाँ पर उज़म के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है आरवी के जो ये वोल्टेज है आरटूवी के वोल्टेज वो यहाँ पे है, बट यहाँ पर उज़म को नहीं पता कि आरटूवी के वोल्टेज यहाँ पर जो है आराम से मतलब होल्ड कर रहे हैं इस प्लेस को। बट अगर इस प्लेस को अगर उन्होंने होल्ड करके उनको पता हो कहीं से कोई भी अगर थोड़ी सी फुटस्टेप आए तो उज़म थोड़े से यहाँ पर केयरफुल हो सकते हैं और जो नेसेसरी स्टेप्स है वो लिए जा सकते हैं। बट फिलहाल के लिए जो है यहाँ पर उनको नहीं पता है आरटूवी के वोल्टेज जो है भैया वहाँ पर अभी भी उस पोजिशन को होल्ड करके आराम से बैठे हैं। बट चलिए कोई नहीं, हम यहाँ पर जो है एक बार स्पिन्स की टीम को भी देख लेते हैं। स्पिन्स की जो टीम है वो कहाँ पे भैया फाइट लेते हैं हमको दिखा रहे हैं। स्टार की टीम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फाइट लेते हैं। स्टार के उसामा यहाँ पर जो है एक किल के साथ आगे बढ़ते हुए बिल्कुल ही स्टार की टीम ने जो एक पोजीशन जो होल्ड कर ली है जोन के पास है। आगे से लोग जो है जोन के अंदर निकलने के लिए जो एंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। बट कोई नहीं, बट फिलहाल के लिए जो है चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। स्टार उसामा आगे बढ़ते हुए टुवर्ड्स द जोन, जोन का एज उन लोगों ने पकड़ लिया, तो इनके लिए फिलहाल के लिए आई गेस इनकी कोई भी मुश्किलें यहाँ पर आसपास होते हुए नहीं। अगर जो है जोन एक शिफ्ट भी लिया तो यस जोन इनके पास फुल होता हुआ एंड यहाँ पर जो है उनके पास अब जोन होल्ड करने की इनको ज़रूरत है। बबलू के पीका उन्होंने वहाँ पर जो उनकी जो है फाइट होती हुई हमको दिखाई दे सकती है फुल। यार ये ग्रुप भी पता नहीं क्या भाई, माँ कसम। चले कोई नहीं, बट फिलहाल के लिए जो हम यहाँ पर चलते हैं टीम नंबर 24 की तरफ, हम यहाँ पर चलते हैं टीम नंबर 24 जो है यहाँ पर आगे फाइट ले हुए यूएनक्यू की टीम जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हुए। बट कोई नहीं, चलिए जो है भाई बहुत सारे, बस क्या करूँ, बहुत ही सोचना है बट कोई नहीं, बट यहाँ पर अगले में जो है सारे ग्रुप म्यूट करके आऊँगा मैं। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर यूएनक्यू की जो टीम है बहुत ही काफ़ी मुश्किलों में आती है। वाकिफ यहाँ पर जो है भैया फुल फिनिश हो चुके हैं यहाँ पर सोलो बोल्ट वहाँ पर रहते हुए। एंड अगर हम देखें तो सोलो बोल्ट और अल्फा स्पाइडर इज़ द ओनली वन सर्वाइविंग राइट, और अगर वो वहां पर योनगी के सोलो बोल्ट को अगर एक रिवाइव दे दें तो रिवाइव करने के बाद जो है यहाँ पर जो है रिवाइव होने के बाद जो है एक जीवन दान जो है भैया वहाँ पर वो उनको देखने को मिलेगा। बट कोई नहीं, चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर जो उनको एक रिवाइवल मिल चुका है जोन के पास भी यहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं। बट स्टार की टीम यहाँ पर जो टीम है ओनली टीम इनसाइड द जोन जो है वो है स्टार की टीम, ठीक है ना। बट चलिए यहाँ पर जो है बबलू की टीम जो है भैया एंटर हो चुकी है टी जोन के अंदर। यहाँ पर जो इस बबलू की टीम हम यहाँ पर जाने वाले, बबलू की जो पेन है यहाँ पे उनके बगल में जो टीम है वो है आईएट। यहाँ पर जो आईएट के ब्लेड यहाँ पर जो देखा क्या करना चाहिए कि आईएट की टीम और यहाँ पर बबलू की टीम के बीच यहाँ पर जो बहुत ही अच्छी यहाँ पर फाइट होने वाला है। बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्ट देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उन्होंने स्पॉट करते स्टार के गॉड फ्यूरी वाटी को यहाँ पर डाउन पड़े हुए हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आईएट की टीम जो है यहाँ पर आई गेस एलिमिनेट होते हुए हमको दिखाई दे चुकी है। एंड द 3 टीम्स सर्वाइविंग अभी जो है भाई 3 टीम्स जो बस सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रही है वो है बबलू की टीम, स्टार की टीम एंड अल्फा स्पाइडर एंड जो यूएनक्यू की जो टीम थी। भाई अगले गेम में पक्का व्हाट्सएप का भाई मैं मार देंगे, व्हाट्सएप डिलीट कर दूंगा,
ठीक है ना। बट अभी जो यहाँ पर सोलो गॉड की तरफ से यहाँ पर जायरो जे को जो यहाँ पर एक नॉक दिया गया है, बहुत ही अच्छा नॉक जो है ये हमने देखा है। पर स्टार उसामा जो है आगे बढ़ते हुए यहाँ पर गॉड फ्यूरी जो अंदर उनके एक रिवाइवल देने की वहाँ पर कोशिश जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिवाइवल उनकी तरफ से। बट स्टार की टीम यहाँ पर चारों के चारों प्लेयर जो है फिलहाल के लिए सर्वाइव करते हुए, विच इज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर अब जो अभी जो है हम देखते हैं यहाँ पर आई गेस दो ही टीम्स यहाँ पर सर्वाइव करते हुए हमें बताया चुकी है, विच इज़ स्टार की टीम एंड यूएनपी की टीम। यहाँ पर यूएनपी के सोलो बोल्ट है यहाँ पर एंड अल्फा स्पाइडर, वहाँ पर जो है दो बंदे यहाँ पर सर्वाइव करते हैं स्टार की पूरी पूरी टीम। क्या लगता है आपको गाइस, क्या यहाँ पर 2v4 देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पर भाई क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर 2v4 जो हम देखने को चाहिए वो हमको मिलेगा? यहाँ पर जो है मेरे का यहाँ पर डाउन हो चुके हैं एंड उसके बाद यहाँ पर जो सोलो बोल्ट जो है वहाँ पर 50% एचपी में सर्वाइव करते हैं हमको देख सकते हैं। बट अल्फा के स्पाइडर आगे बढ़ते हुए जायरो जे जो आगे बढ़ते हुए विद दैट नेट, नेट की तरफ से आगे बढ़ने को जल्दी बनाया, यहाँ पर जो एक नेट आएगा उससे जो है पूनम की पूरी दोनों के दोनों बंदे जो है यहाँ पर भाई जाते हुए एंड उसी के साथ स्टार जो है ले जा चुकी है पूरी की पूरी इरंगल की ये मैच। विनर विनर चिकन डिनर जो है यहाँ पे स्टार की टीम की तरफ से देख सकते हैं। स्टार उसामा के 4 kills हैं, मिराकल के 4 kills हैं, जायरो जे के जहाँ पर 2 kills हैं एंड 6 kills फ्रॉम गॉड फ्यूरी एंड टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके पास यहाँ पे 16 kills चिकन डिनर उन्होंने यहाँ पे लिया है। यूएनके की टीम यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्ताफ के पास 1 kill है, स्पाइडर के पास 1 kill है एंड वाकिफ के पास 3 kills होते हुए, तो टोटल यहाँ पर 6 kills उनके पास होते हुए एंड नंबर 3 पे आते हुए जो है वो है बबलू की टीम जो यहाँ पर 3 kills, 3 wolves के पास, पैन के पास 4 kills हैं, दानी के पास 0 kills होते हुए एंड पीकाओपी के पास 7 kills यहाँ पर होते हैं। पीकाओपी ने बहुत ही अच्छे वहाँ पर जो एंड में जो किल्स उन्होंने निकाले, जो नेसेसरी पॉइंट्स थे उनको निकालने की जरूरत थी वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से निकाले यहाँ पे। और यहाँ पर आ जाते हैं 14 kills के साथ वो लोग 3rd place पर आते हुए एंड 4th place पर जो यहाँ पर I8 की पूरी पूरी टीम आते हुए विद 2 7 kills, 3 kills ईच फ्रॉम रिवर्स एंड उजम एंड 1 kill ब्लेड की तरफ से आते हुए। 5th position में आते हैं FM की टीम यहाँ पे बादशाह वाइटी की तरफ से ओनली 1 kill एंड 6th position में आते हैं MK की टीम यहाँ पे विद 4 kills फ्रॉम SPR असद एंड दैट्स ऑल फिलहाल के लिए। एंड 7th position में जहाँ पे जैसे रोर अबू वगैरह की यहाँ पर टीम आती है विद 0 kills, 8th position में जहाँ पर एक्स रेवनी की टीम विद दैट 1 kill फ्रॉम बलोच एंड बलच एंड 9th position में 52x की यहाँ टीम आते हुए फ्रॉम 1 each kill फ्रॉम डाकू एंड फेरो एंड 10th position में यहाँ पर स्पिन्स की टीम आते हुए गुलफाम की तरफ से 0 kill, कदीर की तरफ से 2 kills आते हुए, राइजन डैडी की तरफ से 1 kill आते हुए, 3 kills जो है यहाँ पर उनके पास हो चुके हैं। 11th position में जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 47 headshot YT मारिया हेलो की जो पूरी टीम थी वो आते हुए विद 2 0 kills। 12th position में OS की टीम माफिया रेक्स वाइटी डेविल N0 विद 0 kills। 13th position में जो 4RV की टीम थी 0 kills के साथ। 14th position में आप देख सकते हैं कि HR सोमी की टीम यहाँ पर 3 kills के साथ जो है 5 kills टोटल्स के साथ जो है उनकी 14th position पर आए हैं एंड 15th position में आप देख सकते हैं डेड सेट साइको की टीम यहाँ पर आते हुए विद 7 kills जो उनके पास यहाँ पर आ चुकी है। 16th position में जो है यहाँ पर है वॉर फोफो की टीम फाइन बाबा वाइटी रोर पांडा वाइटी TOP बाजवा विद 0 kills एंड 17th position पे अगर आप देखें तो पायरो राफे एंड कायमी उनकी टीम यहाँ पर आते हैं विन किल 1 kill फ्रॉम NFP जेको सर एंड 18th position में आप देख सकते हैं PJ हयात की टीम थी है जो 0 kills के साथ आते हुए आगे एंड 19th position में DW की टीम यहाँ पे आते हैं विद 1 kill फ्रॉम रीपर। 20th position पे जो है जॉर्ड कैस्ट्रो की टीम विद 0 kills एंड 21st position पे रोर विजर्ड की टीम आती है विद 1 kill फ्रॉम 3x कैम्बलर। तो यहाँ पर कि जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस विनर विनर चिकन डिनर जो है वो ले जा चुकी है स्टार की टीम बहुत ही अच्छे पॉइंट्स से। 16 किल्स चिकन डिनर ले जा चुकी है यहाँ पे स्टार की टीम। बहुत ही अच्छा गेम प्ले देखने मिला फिलहाल के लिए। यहाँ पर जो स्टार ऑफ द मैच की तरफ अगर हम यहाँ पर देखें तो बबलू के PKOP विद 2 7 defeats जो हैं भाई यहाँ पर स्टार ऑफ द मैच बनते हुए। पायरो राफे एज द बेस्ट कंपेनियन विद दो 5 revives एंड स्टार मिराकल की तरफ से जो उनका लास्ट फिनिश था वो नेड जो उनकी तरफ से फेंका गया था 4 defeats के साथ एज अ फिनिशर का टाइटल मिलते हुए। हाँ तो गाइस चलिए कोई नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए जो है हम यहाँ पे वेट करने वाले हैं एंड वेट करते ही
जी तो गाइस यहाँ पर जो है एंट्री जो है हमारी वापस से हो चुकी है रूम के अंदर, एंड टीम्स भी जो है यहाँ पर आ चुकी है गाइस। तो फिलहाल के लिए एक मिनट। हाँ तो गाइस ये जो मैच होने वाला है वो होने वाला है भाई मीरामार का, एंड मीरामार का जो मैच है आपको पता है भाई क्या ही, मतलब मेरा तो वन ऑफ द अगर फेवरेट मैप्स अगर मुझसे पूछो तो मीरामार का रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो एक रोटेशंस होती हैं और जो रिजिस का यूज़ एंड जो हिल साइड का जो यूज़ होता है भाई वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे को तो भाई अगर पूछो तो बेस्ट 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 जो लगता है मुझे वो लगता है भाई मुझे मीरामार पर्सनल फेवरेट, खेलने में भी भाई मज़ा आता है। और चलिए कोई नहीं, यहाँ पर जो है फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे चलते हैं एक टीम्स की जो यहाँ पर आने का हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं फिलहाल के लिए, एंड टीम्स फुल होते ही जो है हम यहाँ पे रूम स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो लेट्स वेट फॉर दैट मोमेंट, उस मोमेंट का यहाँ पर जो है हम वेट कर रहे हैं। बट एक चीज़ जो है मैं फ़िलहाल के लिए फटाफट से चेक कर लूँ वो है कि ओके बस सब कुछ सही है, स्ट्रीम सेटिंग सही है। तो यस यहाँ पर जो है हम अभी फ़िलहाल के लिए जो है वेट करने वाले हैं रूम का, एंड लेट्स गो। टोटल पॉइंट्स क्या है भाई, टोटल पॉइंट्स जो हैं वो मैनेजमेंट के पास होने वाले हैं। सो मैनेजमेंट की तरफ से जो जैसे ही मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी टोटल पॉइंट्स की वो आती जो है मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए आपको बताइए कि स्टार ने जो है, स्टार की जो टीम है उन्होंने पिछले मैच में किया था चिकन डिनर, 16 किल्स चिकन डिनर था उनके पास। तो उनके पास अभी जो लीड जो है अच्छी खासी यहाँ पे चल रही है उनके पास फिलहाल के लिए। बट लेट्स वेट, वेट करते हैं यहाँ पे। और चलिए यहाँ पर जो है एक बारी जो है बस बाकी टीम्स का जो है टीममेट्स का जो है एंटर होती हम चलेंगे यहाँ पे, एंड मैच का जो है स्टार्ट होने का वेट जो है वो सबको यहाँ पे बेसब्री से हो रहा है। पिछले मैच में जहाँ पर आपने देखा था यार ये जो जोन जो था, जोन का जो भाई हार्ड शिफ्ट जो ये दे रहा था वो बहुत ही ज़्यादा, वो बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब एक हार्ड शिफ्ट जो था ना वो उसने भाई बहुत सारी टीम्स के लिए काफ़ी चीज़ें जो है ख़राब करी, काफ़ी चीज़ें जो है ख़राब कर दी वहाँ पे टीम्स के लिए, एंड उसकी वजह से जो है थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। बट कोई नहीं, चलिए यहाँ पर मीरामार का जो मैच है ये एक 40 मिनट्स का जो ये मैच होता है ये आपको पता है भाई बहुत ही बहुत ही बहुत ही मज़ेदार होता है ये 40 मिनट्स का जो ये मैच है। और यहाँ पे जो है आपका एक गन पावर दिया देखा जाता है मोस्टली, आपके जो रोटेशंस है वो देखी जाती है, आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो देखी जाती है मीरामार में। बट चलिए कोई नहीं, फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है 40 मिनट्स का जो इंटेंस मैच है वो हम देखने के लिए यहाँ पे रेडी हैं, एंड चलिए फिलहाल जो है हम पहुँच चुके हैं विद बबलू के पी का ओपी जो है यहाँ पे भाई आ गए हैं अपने साथ। और यहाँ पर जो बबलू की टीम की तरफ से मुझे 3 ही बंदे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आईएट की टीम से भी अगेन 3 बंदे यहाँ पर आते हुए। कोई नहीं, फिलहाल के लिए जो है यहाँ पे 52 की पूरी टीम आ चुकी है, स्टार की पूरी टीम आ चुकी है, स्पिन्स की पूरी टीम यहाँ पर आते हुए, एमके की पूरी टीम यहाँ पर आ चुकी है चारों के चारों बंदे, एफएम के चारों बंदे यहाँ पर भी आते हुए, एनएसकेबी की फ्रॉस्ट आईसी एंग्री एंड ट्यू जिटर्मेंटर बीएचबीस्ट यहाँ पर आ चुके हैं, टीम नंबर 10 एंड टीम नंबर 11 की तरफ से DW इरफान की जो टीम है उनकी तरफ से चारों प्लेयर एंट्री ले चुके हैं, टीम नंबर 12 जशाकर रैनो पी की जो टीम है वो भी आ चुके हैं, 30 नंबर पर आ चुके हैं अपनी रोल अबू बकर की स्क्वाड वो भी पूरी है यहाँ पे, जॉर्ड कैस्ट्रो की पूरे के पूरे 4 बंदे पूरे आते हुए, एनएफटेक्स अयूब नाइफ जो है यहाँ पर 2 बार आ चुके, नार्डिक्स यहाँ पर आ चुके हैं ऑन दैट 15 नंबर स्लॉट, 16 नंबर भी हम देख सकते हैं, 4 RV की पूरी टीम यहाँ पर अंदर आते हुए, NTSR साइको की तरफ से उनका पूरा स्क्वाड आते हुए, एंड 19 नंबर पर आप देखें तो अगर TOP1 की जो भाई अन बाबा फाइन बाबा वाइटी एंड गोल पांडा वाइटी वो आ चुके हैं 19 नंबर में, 3 बंदे यहाँ पर भी खेलते हैं 3X कैमलर में लेकर, एंड ये भी उनकी तरफ से अगर आप देखें तो यहाँ पे भाई 3 ही बंदे यहाँ पर होते हुए। बट चलिए कोई नहीं, चलते हैं यहाँ पे हम फिलहाल के लिए
भाई क्या ही सीन है यार, क्या क्या लिखते रहते हैं कसम से। बट ओएस की टीम जो है यहाँ पर फुल आ चुकी है, पायरो की फुल टीम आता है जो है, क्योंकि पूरी की पूरी टीम यहाँ पर जो है आ चुकी है, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने, इसके बाद जो है हमारा थोड़ा प्लान है दोस्तों के साथ, बट कोई नहीं फिलहाल के लिए यहाँ पर जो हम जाने वाले हैं विद द स्ट्रीम, और यहाँ पर जो है रूम स्टार्ट होते हुए हमको यहाँ पर दिखाई दे सकती है, बट फिलहाल के लिए चलिए जो प्लेन का पार्ट जो है वो हम देख सकते हैं, फ्रॉम दैट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से जो है एक साउथ ईस्टर्न पार्ट की तरफ हमको वहाँ पर जाते हुए देख सकते हैं, कैंपो मिलेतार से होते हुए क्रूज द वाले लसर हासियन द सेन माटा पावर ग्रिड पिकाडो मॉन्टेनुव्यू की कवर के कवर होते हुए कवर से द वाल दिमार की तरफ जो है जाते हुए हम देख जा सकते हैं, भैया पूरे के पूरे जो टीम्स के जो एलोकेटेड ड्रॉप से वो वहाँ पर जाते हुए हमको दिखाई देंगे, टीम की तरफ से जो ज़्यादातर जो हमारी जो अपनी जो वो है भाई जो ड्रॉप लोकेशंस हैं इस बार जो है, जो प्लेन जो है ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट जो है वो एक तरह से मिडल की तरफ से जाते हैं हमको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है सीन ऐसे हैं कि सारे के सारे ड्रॉप्स जो है अचीवेबल है, ठीक है ना, तो इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाली जहाँ तक कि अनटिल अनलेस आप पुअर तो पराए से हो ना चले जाओ, तब तक के लिए कोई प्रॉब्लम है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा लाख कोबेरिया वालों के लिए प्रॉब्लम होगा, नहीं तो बाकी सब जो है एक ड्रॉप पॉइंट्स पे अपने अपनी सारी की सारी टीम्स यहाँ पे जा सकते हैं, एलोकेटेड ड्रॉप पॉइंट्स है भाई जानू भाई कर दिया है, बट फिर भी कोई ना कोई करता ही रहता है, मैं क्या करूँ कोई नहीं, बट फिलहाल के लिए मैंने ग्रुप्स ही सारे के सारे एग्जिट कर दिए हैं। एंड चलिए यहाँ पर बबलू की टीम जो है आप देख सकते हैं अपना पिकाडो का जो उनका जो ड्रॉप है यहाँ पे मीरामार का, वहाँ जाते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं बबलू की जो पीकाओपी है वो जो है आगे जा चुके हैं। एंड दूसरी तरफ जो है अगर हम I8 का स्क्वाड देखें, अब I8 के बेचारों बेचारों बंदे यहाँ पर आ चुके हैं, I8 के बंदे भी यहाँ पर जो है ओह शिट मेरी तरफ से जो है भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हाँ यस, तो I8 की टीम जो है यहाँ पर अपनी ड्रॉप पॉइंट की तरफ जाते हुए थोड़ा सा स्प्लिट ड्रॉप में लेते हुए अपना कंपाउंड जो है लूटने की कोशिश करेंगे, या ये लोग जो है पूरा पूरा अपना लॉस लियोनेस की तरफ जाकर जो है अपना पूरा एक ड्रॉप जो है वो लेने वाले हैं। फिलहाल के लिए आई गेस कोई भी अर्ली फाइट्स जो है हमको देखने को नहीं मिलेगी, और तो चलिए यहाँ पर फिलहाल के लिए I8 के रिवर्स जो यहाँ पर उतर चुके हैं पूरे का पूरा, एंड I8 की जो जिम है वो वहाँ पर IQ जो है एंड ब्लेड जो है अपनी वहाँ पर जो है पूरे का पूरा अपना एक बग्गी लेकर लूट करने की कोशिश यहाँ पर करने की जो लूट करने की कोशिश यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको शायद उतारने की कोशिश की गई थी, बट उन्होंने बोला कि नहीं मुझे गाड़ी पे छोड़ दो, एंड यहाँ पर जो गाड़ी पे छोड़ कर जो उनको अपनी अपनी ड्रॉप लोकेशन पे अपने अपने स्प्लिट ड्रॉप लोकेशन में जाकर लूट करने की उनकी जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी वहाँ पे, बट कोई नहीं फिलहाल के लिए यहाँ पर 52X की टीम की तरफ अगर हम जाते हैं, 52X की तरफ से फेरो जो है यहाँ पर लूट करके जो है वो थोड़ा सा एक एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई और टीम उनके आसपास जो है उतरी है या नहीं उतरी, आई गेस उतरनी नहीं चाहिए क्योंकि ड्रॉप क्लैश जो है बिल्कुल ही बैन था यहाँ पे, बट स्कारल जो है इनके पास यहाँ पर होते हुए दो फर्स्ट एड जो है इनके पास यहाँ पर हो चुकी है यहाँ पे 52X के सैरो के पास, एंड वो यहाँ पर शायद कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बंदा यहाँ पर जो है लैंड हुआ है स्मोक करके जो है आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है टू एलिमिनेट दैट प्लेयर, बट फिलहाल के लिए आई डोंट थिंक सो उनके पास कोई भी यहाँ पर बंदा होते हुए, यस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी जो है बंदा नहीं आया, तो 52 की टीम यहाँ पर बहुत ही आसानी से यहाँ पर बन रहा है, बट MK गेमिंग की तरफ से भैया पहला गेम पहला जो नॉक आ जो कि बादशाह YT को और बादशाह YT को जो यहाँ पर नॉक करके फिनिश होता है, तो FM की टीम यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से मुश्किलों में दिख सकती है, क्योंकि FM शाह यहाँ पर है, ब्रांड है और नासिर है, वो दोनों के दोनों जो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लूट की तरफ जा रहे हैं शायद अपने डेजिग्नेटेड स्पॉट की तरफ, आएंगे कहीं ना कहीं उनको जो ऑफ गार्ड पकड़ा गया MK गेमिंग की तरफ से, वहाँ पर जो उनको नॉक नॉक करते ही फिनिश कर दिया, बट कोई नहीं फिलहाल सब टीम्स अपनी ड्रॉप पॉइंट पे हमको देख सकते हैं। एंड डी डब्ल्यू इरफान की टीम की तरफ अगर चलें तो उनका जो ड्रॉप पॉइंट है वो अपने ड्रॉप पॉइंट पे लूट करते हुए सेन माटा के आसपास
दे हेड फ्रैंकी फ्रैंकी भाई यहाँ पर है, उनके पास हाथ में जो है UMP है और M7 है, दोनों ही क्लोज रेंज गन्स यहाँ पर उनके पास अभी हाथ में होते हुए। आई गेस कहीं ना कहीं एक जो खोज है वो उनकी तरफ से जारी रहेगी कि उनके पास एक लॉन्ग रेंज वेपन जो है या मिड रेंज वेपन जैसे M4 या स्कारल जो है, कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ मिल जाए यहाँ पर। DW नेमार अगर हम देखें तो DW नेमार के पास M249 एंड UMP। UMP का यूज़ जो है आजकल भाई सबको पता ही है कि मतलब क्या ही UMP की जो ये जो क्लोज रेंज गन है भाई, मतलब उसके बराबर तो कोई गन ही नहीं है, मतलब कोई बुलेट स्प्रेड नहीं है उस गन का, जहाँ मारो भाई सीधा कनेक्ट होता ही होता है वहाँ पे। बट कोई नहीं, फिलहाल के लिए हम चलते हैं टूवर्ड्स द दूसरी टीम, रोर अबू बकर की टीम की तरफ अगर हम चलते हैं तो रोर अबू बकर के पास यहाँ पर हम देखें तो 10 बैंडेज उनके पास है, AKM है, थॉमसन है, दोनों ही क्लोज रेंज वेपन, अगेन क्लोज यहाँ पर थॉमसन में जो भैया 50 का जो उन्होंने वो लगा लिया प्रोग्राम, बट यहाँ पर थॉमसन जो है उन्होंने फिर से जो है एक बार स्विच करते हुए विद दैट M249 उनकी तरफ से R2V अरमान है, अरमान भी यहाँ पर लूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको। 10 बैंडेज, एक फर्स्ट एड, वेस्ट लेवल 2 का है, लेवल 3 का बैकपैक मिल चुका है, लेवल 1 का जो उनके पास एक वो है हेलमेट है, एंड AKM एंड UMP, अगेन UMP कमिंग इनटू द एक्शन। आपको पता ही है UMP जो है यहाँ पे फुल चलती चलती R2V वोल्टेज के पास यहाँ पे मिनी जो है उनके पास एक है यहाँ पे लॉन्ग रेंज DMR जो है चलाने की जो उनकी इच्छा है, वो भाई बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है DMR का बहुत अच्छे यूज़ करते हैं, हमको देखे गए पहले भी, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है UNQ की टीम जो है थोड़ी सी मुश्किल में। UNQ की जो रोमियो वार्टी है वो हो चुके हैं नॉक, एंड यहाँ पर जो है उनको एक रिवाइव देने के लिए उनका सपोर्ट जो है पूरा पीछे से आते हैं विद दैट, पर उनके हाथ में जो गन है UNQ के वाकिफ के हाथ में जो गन है आप अगर आप वो देखो तो भाई वो है उनके पास Win 95, और Win 95 के साथ वो वहाँ पर क्या ही यहाँ पर कर सकते हैं, वो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो आदि ने रोमियो वार्टी की तरफ से जो एक कोशिश की गई, बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में UNQ के दो प्लेयर्स जो यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, हम देख सकते हैं करके टीम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर डेड ससाइको ने पीछे से यहाँ पर डैमेज देकर जो दोनों बंदूकों को यहाँ पर एक को जो है फिनिश कर चुके रोमियो वार्टी के, नहीं होंगे वाकिफ वार्टी इज द ओनली वन सर्वाइविंग राइट नाउ, बट डेड सेट के जो यहाँ पर जोकी हैं वो आगे बढ़ के उन्होंने वाकिफ को भी फिनिश किया, एंड टू अर्ली एग्जिट्स जो हैं हमने यहाँ पर देख चुके हैं अर्ली इन द गेम। जो यहाँ पर UNQ की टीम जो थी जो पिछली गेम में काफ़ी अच्छा खेल रही थी, काफ़ी आगे तक गए वो लोग, बट यहाँ पर जो अर्ली दो एलिमिनेशन उनकी तरफ से हमें देखे जा चुके हैं। बट TSR की टीम जो है यहाँ पर डेड सेक्स साइको की जो टीम है भाई वो अभी भी आगे बढ़ते हुए फुल यहाँ पर लूट करने की कोशिश की गई, बट आई गेस लूट उनके पास भी सफिशियंट नहीं थी, कहीं ना कहीं वो वहाँ पर UNQ की टीम जो वहाँ पर वो फंस गए एंड वो मारे गए हैं। बट कोई नहीं, यहाँ पर जो है 3X की टीम जो है यहाँ पर देखो तो वो उनकी फाइट यहाँ पर आगे हमको देखने को मिल रही है। तो हम 3X की तरफ अगर हम चलें फटाफट फटाफट फटाफट, अरे 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 3X की टीम, 3X कहाँ गई, अरे हाँ तो यहाँ पर इन लोगों की फाइट हो रही है। यहाँ पर मारिया रनिंग्स के जो ये क्रेजी है वो यहाँ पर खेलते हुए हम यहाँ पर दिख रहे हैं। कास्टर डर की कल 9 बजे मैचेस होंगे, अरे यार भाई कल का कास्टर अलग होगा भाई, हम यहाँ पे अलग है, बट कोई नहीं। चलिए यहाँ पर जो इनकी भी टीम की यहाँ पर अगर देखिए तो भैया ओ नो जो है यहाँ पर घोष जो है वो यहाँ पर जो है दो बंदे यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं, और यहाँ पर जो है वाल दीवार में जो ये फाइट होती है हमको हम देखते हैं क्या यहाँ पर मारिया जो है पीछे जाकर एक फॉल बैक करने की कोशिश कर रही हैं, एंड फॉल बैक करके जो है यहाँ पर मारिया कहीं ना कहीं दूसरा एंगल बनाने की कोशिश करके जो है एक नॉक निकालने की कोशिश की है। 3X के दोनों प्लेयर सामने ऊपर होते हुए स्लॉट नंबर 20 में, एंड एक यहाँ पर जो 3X के मेरेकल हैं उन्होंने यहाँ पर दो जो किल्स यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर निकाल लिए हैं, बट यहाँ पर जो है मारिया को जो है गेस बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे चुके हैं। यहाँ पर 20 HP में जो है मारिया वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। 3X के मेरेकल इज गोइंग इन विद दैट ग्रेनेड, वहाँ पर जो वो जो ग्रेनेड है वो फेंकने की कोशिश की गई है, ऑन दैट क्रेजी को जो यहाँ पर नॉक करने की कोशिश की गई थी विद दैट ग्रेनेड, बट वो जो है कहना कि कनेक्शन जो है वो हमको देखने को नहीं मिला यहाँ पर, बट मेरेकल स्टिल गोइंग इन विद दैट UMP की तरफ से उन्होंने बहुत ही अच्छा डैमेज दिया वहाँ पर क्रेजी को, जो क्रेजी ऑलमोस्ट अंदर 50 HP सर्वाइविंग यहाँ पर जो है 50 HP में, बट मेरेकल यहाँ पर आगे बढ़ते हुए बढ़ने की कोशिश थी उनकी, यहाँ पर जो है एक ग्रेनेड आया है, ग्रेनेड से जो है डैमेज दिया है यहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो उन्होंने क्रेजी ने जो बहुत अच्छा डैमेज देते थे यहाँ पर, देख रहे क्रेजी ने भैया बहुत ही अच्छे दो मेरेकल को दोनों को यहाँ पर नॉक कर दिया है भैया, बहुत ही क्लोज रेंज जो ये फाइट हुई थी यहाँ पर UMP के साथ, यहाँ पर मेरेकल क्रेजी ने यहाँ पर TNT क्रेजी भाई क्या ही उन्होंने क्लोज रेंज में दोनों ही मिराकल की दोनों ही 3X के दोनों ही मिराकल को यहाँ पर मिरकली दोनों को ही यहाँ पर भैया
एलिमिनेट कर दिया, और यहाँ पर जो है अब जो है 3x रैम्बलर यहाँ पर पीछे खड़े हुए हैं एंड ही इज ट्राइंग टू टेक द टीपीपी ओवर दोस टू प्लेयर्स जो उनको बताया कि वहाँ पर है, और इनकी टीम जो है काफी मुश्किलों में यहाँ पर है। जो एक अर्ली एलिमिनेशन जो सबसे पहला एलिमिनेशन में भी जो टीम का हमको देखने को मिल सकता है वो है एक 3x का, बट कोई नहीं यहाँ पर जो है अभी 3x की टीम की तरफ से गैम्बलर की तरफ से पीछे तरफ जो होल्ड किया जा रहा है, थोड़ा सा एक जो है एंगल बनाने की कोशिश है कि अगर कोई भी एक प्लेयर यहाँ पर नॉक हो तो ही वो पुश करेंगे आगे, बट यहाँ पर जो है क्रेजी के ऊपर जो ये पुश आया था वो वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं फेल हो गया, वो जो है बहुत ही बड़ा फेलियर हो गया दोनों की तरफ से। मिराकल जो दोनों बंदे उन्होंने वहाँ पर पुश करा, वहाँ पर भाई ये जो उन्होंने 1v2 निकाला है बहुत ही अच्छा 1v2 निकालते हुए यहाँ पर, बट 3x के गैम्बलर वहाँ पर अभी पीछे खड़े होकर एक एंगल बनाने की कोशिश करें। मारिया जो है वहाँ पर थोड़ा सा ओपन में भागती हुई हमको दिखाई दे सकती हैं, बट ऑल आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं ये रोड क्रॉस करके आगे जाएं, बट कोई नहीं, फिलहाल के लिए हम चलते हैं दूसरी टीम्स के ऊपर जो यहाँ पर है एफएम की टीम, क्योंकि एफएम की टीम के साथ जो है यहाँ पर फाइट शुरू हो चुकी है। एफएम के जो है यहाँ पर नासिर जो है वो नॉक हो गए हैं एंड नासिर को जो एक रिवाइव दिया जा रहा है फ्रॉम शाह, एफएम के जो शाह है उनको जो अभी रिवाइव दिया जा रहा है, बट यहाँ पर जो है फाइन बाबा वाईटी ऊपर एंड टीओपी के जो है फनी ओपी वो भी वहाँ पर आते हुए, बट यहाँ पर जो है जो ये फाइट हो रही है वो है तीन बंदे यहाँ पर इनके सर्वाइव करते हुए एफएम की तरफ से एंड टीम नंबर 19 की तरफ से, जो आई गेस चारों के चारों बंदे ही वहाँ पर हो गए हैं। बट बबलू के टीम को वहाँ पर भाई M24 का एक शॉट पड़ा है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बट रोर के पांडा वाईटी और पीछे से डैमेज देने की कोशिश की गई, बट आई गेस वो जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ, कनेक्शन नहीं हो पा रहा। बट बबलू टीम की तरफ अगर हम यहाँ पर चलें तो भाई वहाँ पर एक M24 का जो है एक ज़बरदस्त पट से हेडशॉट पड़ा था उनको कहीं ना कहीं, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि एक रिवाइवल मिल चुका है उनको फटाफट से, जब वो जो रिवाइव जो आता है भाई टीम्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होता है, क्योंकि इससे पहले कि दूसरी टीम दूसरे एक दूसरे के ऊपर पुश करे आप रिवाइव करके हील कर लें और यहाँ पर जो है DW की टीम सामने हो, बट कहीं ना कहीं वो जो कनेक्शन है वो करने की कोशिश अभी भी जारी है। बबलू के पी का ओपी जो है वो आगे की तरफ होते चले, उनके एक POV की तरफ चलते हैं आगे की तरफ एंड क्या लगता है गाइस क्या यहाँ पे बबलू जो है DW की टीम को वाइप करेगी या DW की टीम जो है यहाँ पे बबलू की टीम को जो है भाई वाइप करेगी। यहाँ पर जो है ये क्लोज रेंज में जो थोड़ा सा मिड रेंज फाइट यहाँ पर चल रही है, क्लोज एंड मिड रेंज फाइट यहाँ पर आप देखो देखने को मिल सकती है, बट दोनों की तरफ से जो है अगर हम देखें तो रीपर की अभी थोड़ी सी बस हेल्थ जो है यहाँ पे 70% के आसपास जो है हेल्थ में वो सर्वाइव करते हैं। नेड्स जो है कंटिन्यूस जो है नेड्स की जो है एक स्पैमिंग की जा रही है फ्रॉम बबलू की टीम की, कहीं ना कहीं जो है किसी प्लेयर को भी एक नेड का नॉक हो तो वो पुश करें वहाँ पे, बट DW इरफान ने अपने ऊपर एक स्मोक करते हुए ये बहुत ही आसानी से जो है ये स्मोक जो था अपने ऊपर किया गया है, क्योंकि एक एंगल ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, बट क्या यहाँ पर ये पुश आएगा। बट यहाँ पर बबलू के पेन जो है भैया पैन जो उन्होंने यहाँ पर पुश करने की कोशिश यहाँ पर बुरी बुरी कर दी, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि बबलू के पेन ने जो अभी यहाँ पर पुश कर दिया क्या उनका सुना UMP के साथ वो लोग जो आगे बढ़ चुके हैं यहाँ पे बबलू पेन के पास हाथ में फिलहाल के लिए जो डैमेज किया गया है एक जो डैमेज जो है दो बबलू के मेन को थोड़ा सा देखिए 25 बट कोई नहीं यहाँ पर अभी भी सर्वाइव करते हुए दोनों के दोनों, बट ये क्लोज रेंज। बट यहाँ पर DW के रीपर को जो है बबलू के पी का ओपी ने भैया वहाँ पर स्पॉट करके जो है वहाँ पर नेट से जो है नॉक कर दिया है बबलू के पी का ओपी ने, बट यहाँ पर जो अब यहाँ पर वो अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो है फ्रैंकी भी यहाँ पर नॉक होते हैं यहाँ पर दिखाते हैं DW के दो प्लेयर्स यहाँ पर नॉक होने में मुश्किल हो गए। यहाँ पर DW के नेमार जो है वो सर्वाइव करते हैं, बट यहाँ पर पी का ओपी की तरफ से जो फाइट होते हैं यहाँ पर दिखा देते हैं यहाँ पर जो नेमार होता है यहाँ पर 1000 सर्वाइविंग फॉर नाउ, बट का नोज कि DW के इरफान जो है वो जो है अकेले रह गए। यहाँ पर इरफान जो है यहाँ पर फुल कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा डैमेज देखिए अंदर आने की एक प्लेयर को यहाँ पर नॉक करने की कोशिश की, बट कोई नहीं यहाँ पर जो है इरफान को बहुत ही ज़्यादा डैमेज देते हुए एंड DW की टीम यहाँ पे फुल जो है भैया नॉकआउट होते हुए एंड द फर्स्ट तो टीम तो नहीं यहाँ पर कह सकते हैं, बट यहाँ पर जो है 3x की टीम के बाद DW की टीम जो है यहाँ पर सेकंड नंबर पे फुल जो है भाई नॉक फिनिश होते हुए एलिमिनेट होते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं। बट फिर क्या ही करें भैया यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी फाइट हमको देखने को मिली बिटवीन DW की टीम एंड बबलू की टीम, बट बबलू की टीम ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक डोमिनेशन दिखाई, अपना एक एक्सपीरियंस जो है उनके पास एक वो दिखाया यहाँ पर DW की टीम को यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं। बट चलिए यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए हम स्पिन्स की टीम की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पर कदीर जो है आगे बढ़ते हुए स्पिन्स की टीम की तरफ से विद दैट 1 kill एंड 5 के जो अकील हैं उनके पास 1 kill यहाँ पर है, और उनके साथ जो है स्पिन्स के हैं ये गुलफाम XD एंड गुलफाम जो है यहाँ पर जोन के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। 0 kills अभी फ़िलहाल के लिए गुलफाम के पास, बट कदीर के पास 1 kill है, अकील के पास 1 kill है यहाँ पे,
एंड अगर आप नीचे देखो तो एम के गेमिंग में से एम के जो एस बी के हैं वो वहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं, बट एम के गेमिंग के पास ऑलरेडी 1 किल है, तो एम के टीम के पास 1 किल ऑलरेडी यहाँ पर 1 पॉइंट जो है वो रह चुके हैं। बट यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ के जो है अपने आप को पहले हील करने की कोशिश जो है वो करी जाएगी। गुलफाम की तरफ से एक जो एनर्जी ड्रिंक है वो पी लिया है उन्होंने। एंड स्टार की टीम की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पर स्टार के जो ज़ायरो जे हैं उन्होंने 1 किल यहाँ पर निकाल लिया, स्टार के मिरेकल ने यहाँ पर 1 किल निकाल लिया है, एंड स्टार के जो गॉड फ्यूरी है वो 1 किल जो है यहाँ पे निकाल चुके हैं। और अभी जो यहाँ पर जो हिल के ऊपर जो स्पॉट करने की कोशिश की जा रही है किसी ना किसी को यहाँ पे, कि उनको ये लग रहा है कि भैया यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ऊपर जो है एक हिल के ऊपर जो है कोई ना कोई बंदे ना हो, बट स्टार की टीम यहाँ पर फिलहाल के लिए बैठी है। बट उनके सामने जो है वो है एम के गेमिंग की पूरी स्क्वाड, एंड आई गेस वहाँ पर जो है स्टार के जो टीम मेट्स हैं उन्होंने वहाँ पर कहीं ना कहीं जो एम के गेमिंग के बंदों को जो है स्पॉट कर लिया है। एंड वहाँ पर जो है स्पॉट करने के बाद यहाँ पर जो है फुल पुश आ रहा है स्टार की टीम की तरफ से, बट यहाँ पर जो है एम के गेमिंग ने वहाँ पर डैमेज देने की कोशिश की, बट कोई भी जो यहाँ पर गाड़ी से नहीं है, एम के गेमिंग जो यहाँ पर फुल मुश्किलों में, यहाँ पर एम के गेमिंग जो है फुल मुश्किलों में हमको दिखा देंगे, क्योंकि एम के गेमिंग जो अकेले हैं और वो भी खबर देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर जो है पूरा जो है पीछे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर एक थोड़ा ओवरऑल वी ओ भी देखें तो गेम जो है सारा अच्छे से समझ आ गई रिगार्डिंग एक बंदे का पी ओ भी देखते हैं। बट एम के गेमिंग ने यहाँ पर जो वॉल पकड़ने के लिए बट एम के गेमिंग स्टार उसामा वहाँ पर आते हुए, एंड उसामा की तरफ से एम के ग्राउंड यहाँ पर देखने को मिल सकती है गेमिंग की तरफ से, बट यहाँ पर एम के गेमिंग जो है यहाँ पर नॉक किए गए एंड इंस्टेंट आई गेस फिनिश भी दिए जाएंगे। बट स्टार की टीम यहाँ पर रुकेगी नहीं, यहाँ पर स्टार की टीम जो आएगा सभी टी ओ जी खान के ऊपर जो ये पुश किया जाएगा, यहाँ पर जो टी ओ जी खान है वो थोड़ी सी मुश्किलों में होते हैं, यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं वहाँ पर जो थोड़ी सी उनकी हेल्थ जो है काफ़ी कम है। अरे यार नहीं, ये यहाँ पर नॉक हो चुके हैं। सो द एम के की तरफ से जो है एस पी आर असद इज द ओनली वन सर्वाइविंग फॉर नाउ, बट क्या ही वो यहाँ पर कर पाएंगे, क्या यहाँ पर जो है वो एक 1v4 दिखा पाएंगे अपनी टीम की तरफ से, ये देखना हमको अभी बाकी है। यहाँ पर एम के एस पी आर असद यहाँ पर वॉल के पीछे जो है थोड़ा अपना होल्ड करके जो है एंगल बनाने की कोशिश करें बंदों के लिए, बट यहाँ पर जो है 4 बंदों का जब पुश आएगा तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। बट यहाँ पर फिलहाल के लिए स्टार जो है उन्होंने नॉक करके फिनिश कर दिया, यहाँ पर जो है 1 पॉइंट जो उनको चाहिए था वो उन्होंने निकाल लिया, बट ज़ायरो जे को वहाँ पर उन्होंने नॉक करते ही दिया इंस्टेंट फिनिश है भाई, इंस्टेंट फिनिश। ये जो है बहुत ही गलत सीन यहाँ पे हुआ है वैसे तो, बट कोई नहीं, स्टार के बंदे ने स्टार के प्लेयर्स ने जो यहाँ पर जो एक जो है यहाँ पर निकाल लिया है, मतलब एक प्लेयर जो है अपना वहाँ पर खो दिया। बट यहाँ पर स्पिन्स के कदीर ने भैया यहाँ पर जो है 2 बंदे और लिए, और यहाँ पर जो हमारी जो फाइट चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं स्पिन्स के जो बंदे हैं कहीं ना कहीं हमारे से मिस हो जाते हैं। बट कोई नहीं, अभी कदीर को हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करें, जोन के अंदर जाने की जो ये कोशिश है वो उनकी तरफ से जा रही दिखाई दे रही है। यहाँ पर शायद हिल्स को जो है कहीं पर होल्ड करने की प्रेफरेंस जो है शायद वो दिया जाएगा, या तो वो आगे बढ़ के जो है कुछ ना कुछ एक कंपाउंड या घर पकड़ेंगे। बट फिलहाल के लिए बबलू की टीम की तरफ चलते हैं, बबलू की जो है ये फाइट होते हुए हमको दिखाई दे रही है। बबलू के जो 3 वुल्फ हैं वहाँ पर उन्होंने जो नॉक और नेड मार के जो है वहाँ पर अगेन जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एलिमिनेशन बबलू को दिखाया जाता है। बबलू ने जो है यहाँ पर आई गेस पूरी पूरी एक जो स्क्वाड है वो भी यहाँ पर जो है फिनिश कर दी, वो थी एफ टी आयूब की टीम ने RDX। अब यहाँ पर जो है बबलू के पास इजी 4 किल्स होते हुए अपने हाथ में, बट नहीं यहाँ पर अगर आप टोटल आप किल्स यहाँ पर देखें तो बबलू के पास वो हैं भाई आराम से 9 किल्स, 9 किल्स जो है अभी 9 पॉइंट्स वो आराम से यहाँ पर निकाल चुके हैं। बट फिलहाल के लिए जो है बहुत ही अच्छा मतलब खेलते स्टार बबलू की टीम। बट ये देखिए यहाँ पर जो है एक रोटेशन जो है टीम नंबर 7 की तरफ से राइजन डैडी और उनकी तरफ से जाने की कोशिश, बट यहाँ पर जो बबलू की टीम ने यहाँ पर जो राइजन डैडी को शॉट करने के स्पॉट के लिया है, यहाँ पर जो बग्गी फोड़ने की कोशिश जो थी वो की गई, बट राइजन के डैडी यहाँ पर सर्वाइव करते हुए, बट बबलू के 3 वुल्फ यहाँ पर नॉक होते हुए, यहाँ पर फाइन के अकील जो है वो वहाँ पर रह गए। बट वहाँ पर जो स्पिन्स के कदीर भी पीछे आते हुए भाई, स्पिन्स के कदीर को जो है बबलू पैन की तरफ से भाई भाई वहाँ पर पड़ चुका है एक नॉक, एंड शायद वो फिनिश भी जो है वो भी आते हुए हमको दिखाई दे सकता है। बट क्या क्या ही होने वाला, बट टीम नंबर 7 की तरफ अगर हम चलते हैं तो चले कदीर यहाँ पर बैठे, स्पिन्स के गुलफाम यहाँ पर बैठे हुए हैं, गुलफाम यहाँ पर एक टीपी भी बना के जो है फाइट को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हुए, बट गुलफाम आगे बढ़ते हुए विद द नेड नेड कुक करते हुए जो आगे जा रहे हैं। बट यहाँ पर स्पिन्स के गुलफाम को जो यहाँ पर बबलू पेन ने जो स्पॉट करके जो यहाँ पर दे दिया है नॉक, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो गुलफाम एंड कदीर दोनों के दोनों बंदे जो है यहाँ पर नॉक हो चुके हैं। एंड
स्पिन्स की टीम फिलहाल मुश्किलों में, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में, क्योंकि फाइम के अकील यहाँ पर रह गए हैं और राइजन रेडी, राइजन रेडी आगे बहुत ही ज़्यादा पीछे थे यहाँ पर, एंड स्पिन्स के गुलफाम को जो यहाँ पे नॉक करके जो है फिनिश करा जा चुका है। स्पिन्स के जो कदीर हैं वो अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्पिन्स करियर को अभी कोई भी रिवाइवल मिलने की कोशिश की गई थी, बट यहाँ पर जब पब्लिक की पीका ओपिनियन, यहाँ पर जब फाइम अकील को दिया है हेड शॉट विद दैट एम फोर, दोनों के दोनों अपर पर फिनिश होते थे एंड स्पिन्स की टीम बहुत ही मुश्किल होते थे। राइज एंड डेडी इज द ओनली वन सर्वाइविंग राइट नाउ, अगर आप देखें तो भाई एक अकेला बंदा रह गया है टीम नंबर सेवन जो थी स्पिन्स की टीम, और उसकी तरफ से जो राइज एंड डेडी इज़ द ओनली वन सर्वाइविंग, क्या वो यहाँ पर जो पब्लिक की टीम में एक बंदा नॉक फिनिश करके या कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही यहाँ पे जो है, तो आप देख सकते हैं कि भाई कवर फायर जो आ रहा है, जो कवर फायर आ रहा है वो बहुत ही खतरनाक आ रहा है। यस, जैसे मैंने बोला था कवर फायर जो आता है बबलू की टीम की तरफ से, जो एक सेनर्जी है, एक बिल्डअप है, उनको पता है कि भाई कहाँ पर उनको जो है वो एक कवर फायर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही हुआ यहाँ पे बबलू की टीम फुल सर्वाइव कर रहे हैं। ओनली दानी इज द ओनली वन जो थोड़ा सा यहाँ पे नॉक हो गए हैं, बट कोई नहीं कोई नहीं, कोई मसला नहीं, इजी रिवाइवल यहाँ पे मिल जाएगा, स्मोक्स किए जाएंगे एंड इट्स अ इजी गेम फॉर बबलू, बट कोई नहीं। चलिए फिलहाल अभी जो है यहाँ पर जो एक टीम जो खामोश बैठी है, जो सबकी फैन फेवरेट टीम है, वो है आई8, और आई8 जो है हमको पता है कि भैया क्या क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है एक तरह से जो है फैन फेवरेट टीम, और वो यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए एक चिकन डिनर या किसी के लिए एम करने के लिए बैठी है, क्योंकि अभी तक कहीं पर भी रश नहीं दिखा गया उनकी तरफ से, अभी तक कोई भी बुलेट्स की आवाज़ें जो है मुझे उनकी तरफ से आई नहीं है फिलहाल के लिए, बट कोई नहीं, हिल का जो यूज़ करके है आई गेस एक हायर एंगल होल्ड करने की कोशिश की गई है फ्रॉम आई8, उनको पता है कि जोन यहीं बनने वाला है एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल, जो मैंने बोला था कि जोन यहीं कहीं बनने वाला है, उनके पास जो एंगल्स मिलने वाले हैं बंदों के आने वाले और जाने वालों के, वो कुछ भी वो मतलब उनको आराम से मिल सकता है। बट अगर आप देखें भाई बबलू की टीम की तरफ, अगर आप देखें तो बबलू के पास स्किल्स देखो यार एक बार ज़रा, 13 किल्स जो है ऑलरेडी वो निकाल चुकी हैं, 13 किल्स बबलू की टीम जो है 13 किल्स ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं, बट भाई क्या ही मतलब बबलू की टीम की मतलब काबिले तारीफ, मतलब आई हैव नो वर्ड्स फॉर देम, बट स्टार की टीम भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक जो है परफॉर्मेंस दिखाते हुए हमको देखे थे, 4 किल्स जो उनके पास यहाँ पर हैं बस लेकर जो है जोन के अंदर एंट्री करने की कोशिश जो है उनकी तरफ से हमको दिखाई दिया जाएगा। स्टार के जो गॉड फ्यूरी है ही स्टिल ट्राइंग टू एंटर इनसाइड द जोन विद द अदर टीम मेट, बट कोई बात, बाकी की तरफ अगर हम देखें तो आईसी की टीम की तरफ अगर हम चले तो आईसी के एंग्री इसके भी फ्रॉस्ट हैं यहाँ पे, एंड यस यहाँ पर रिसेंटली जो है यहाँ पर जो एक क्लियर करके फिनिश करने की कोशिश की, बट वहाँ पर जो बहुत ही अच्छा स्प्रे आया था रिवर्स एंड आईसी के एंग्री को वहाँ पर उन्होंने भाई इंस्टेंट नॉक निकाला है। भाई अगर आप डिस्टेंस देखो, भाई मतलब शॉट्स मिस नहीं हुए हैं आईसी के एंग्री को जो है भैया, लेवल 2 का जो वेस्ट है वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट उड़ा के ख़त्म कर दिया है। ये जो स्प्रे था, ये जो स्प्रे आया आई8 की तरफ से भाई, मतलब इसी चीज़ के लिए जो आई8 की टीम जान जाती वो है एक बहुत ही अच्छे स्प्रेज, बहुत ही अच्छे स्प्रेज मतलब मिस नहीं होते। और यहाँ पर अगर एसपी की फ्रॉस्ट की अगर आप हेलमेट देखो तो लेवल 3 का हेलमेट जो है भाई वो उनका जो है बहुत ही ज़्यादा डैमेज, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डैमेज है यहाँ पर। बट बबलू के पीका ओपी अगेन, बबलू की टीम जो है एक्शन में आते हमको यहाँ पर दिखा रहे, बबलू की टीम जो है अगेन जॉर्ड की टीम के साथ यहाँ पर, एंड जॉर्ड के जो है बंदे यहाँ पर रह गए हैं, बट क्या यहाँ पर जब बबलू के दो बंदे जो यहाँ पर फिलहाल के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से यहाँ पर शॉट को भी और मून को भी यहाँ पर जो है फिनिश करता है, एंड बबलू की टीम सर्वाइव्स अगेन एंड पिकिंग अप दोस 4 किल्स। भाई उन्होंने किल्स जो उठा रही है बबलू की टीम, भाई यहाँ पर टोटल डोमिनेशन यहाँ पर जो है बबलू की टीम से दिखाई दे रहा है। मीरामार जो है बबलू की टीम का जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और यही आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बबलू की टीम ने घुस घुस के जो है हर एक टीम को यहाँ पे एंगल्स बना के या जैसे भी करके उन्होंने यहाँ पर 4-4 किल्स जो यहाँ पे उठाए हैं, फुल किल्स की कोई बात ही नहीं है। मतलब कैसे वो लोग खेल रहे हैं, मतलब यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर्स का जो ये मैच है उसमें बबलू का एक टोटल यहाँ पर जो है एक टोटली डोमिनेशन जो है हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बट ऑफ कोर्स जैसा कि यहाँ पर पब्लिक बोलते हुए आई8 को दिखाओ तो हम जाने वाले यहाँ पर आई8 की तरफ अगेन, है ना, आई8 की ब्लेड ने यहाँ पे अगेन यहाँ पर जो है एक नॉक यहाँ पर निकाल लिया, नए नॉक निकालते ही यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
एंगल बनाने की जो है ये कोशिश उनकी तरफ से ये की जा रही है, बट कहीं ना कहीं जैसे जो है कॉल्स आ रही हैं कि मे बी टू फॉर्म अप ऑन योर प्लेयर्स, जो टीम के सपोर्ट जो टीम जो सपोर्ट करी उनके पास जाकर जो है एक किया जाए। स्प्लिट में जो है ये हम देख सकते हैं कि स्प्लिट में खेल रहे हैं ये लोग फिलहाल के लिए, जो है दो बंदे कहीं और स्प्लिट एंड दो बंदों का कहीं और स्प्लिट हम देख सकते हैं आराम से। पर ब्लेड ने जो है एक रिज यहाँ पे पकड़ लिया है। हाँ बट कोई नहीं, चलिए यहाँ पे अभी जो है ब्लेड के पास अगर हम देखें तो ब्लेड नहीं आई एच की जो बुरी बुरी टीम है यहाँ पे 3 kills जो है वो लोग फिलहाल के लिए उठा चुके हैं फुल। एंड यहाँ पर जो है लेट कर जो है एक स्प्रे मारने की कोशिश की जाएगी और पायरोराफी की टीम की तरफ जो है टीम नंबर 23, बट टीम नंबर 23 के आसपास भी अगर आप देखो तो बंदे इनके बहुत हैं। पायरो के काम ही नहीं, यहाँ पर 2 points उसने उठाए थे विद दोस 2 kills। इनकी जो है अलग ही यहाँ पर जो है एक 4v4 fight हमको यहाँ पर देखने के लिए एक्स रैनो ओपी की जो ये टीममेट्स हैं उनके साथ, बट अगर अपने वहाँ पर रह गए हैं एंड ब्लड जो है वहाँ पर शायद लॉक पड़े हुए हैं, ब्लड जो है वहाँ पर लॉक पड़े हुए हैं एंड ब्लॉज को वहाँ पर शायद करने के लिए फिनिश करने की वजह से 2 points जो है वहाँ पर उठाने की कोशिश की जाएगी, बट स्टार उसामा भी वहाँ पर स्टार फिनिश करने होते हुए वहाँ पर फिलहाल के लिए। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है डेड सेक्स साइको की टीम यहाँ पर है टीम नंबर 23 एंड पायरोराफी की टीम है 17, जो टीम नंबर 17 है वो है डेड सेक की टीम एंड स्टार की टीम। तीन टीम्स जो है भाई अगर 5 buildings पांच बिल्डिंग के अंदर भाई पांच बिल्डिंग के अंदर जो यहाँ पे 3 teams बैठी हुई है और ये जो एक क्लोज रेंज में अगर एक दो अगर यूटिलिटीज़ जो थ्रोएबल्स है उनका जो अगर यूज़ किया जाए तो आई गेस कहीं ना कहीं कोई ना कोई नॉक तो यहाँ पर निकालते हुए हमको कोई ना कोई निकालते हुए दिखाई दे ही जाएगा। बट फिलहाल के लिए जो है आई एट के ब्लेड जो है थोड़ा सा क्लोज आने की कोशिश की है, बट यहाँ पर जो है बबलू दानी थोड़ी सी मुश्किल में पड़ रहे हैं। बबलू दानी की बबलू की टीम अगेन कमिंग इन टू द एक्शन, भाई फिर से मैं बबलू की टीम की तरफ जाने वाला हूँ क्योंकि ये तो भैया मीरामार के मैच में कुछ कमाल ही करने वाले हैं आज, मुझे ऐसा लग रहा है। किल्स देखो, किल्स अगर आप के देखोगे तो भाई 9334 20 kills 20 किल्स जो है अभी बबलू की पूरी टीम 20 किल्स जो है यहाँ पे निकाल चुकी है भाई। 20 किल्स कोई आसान बात नहीं है इस लॉबी में, इतनी बड़ी लॉबी में आके यहाँ पर जो है 20 किल्स जो है बबलू की टीम की तरफ से आप देख सकते हो। और चारों के चारों प्लेयर यहाँ पर जो है अलाइव है, मतलब कोई भी एक बंदा यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसकी मतलब या तो जिसकी हेल्थ कम हो गया था, हेल्थ कम तो होना चलो चलता रहता है, बट भाई जो इनकी तरफ से जो भैया खेल रहे हैं 20 kills यार 20 kills इज नॉट ईजी, बट कोई नहीं। चलिए यहाँ पर जो आई एट के ऊपर जो यहाँ पर आगे बबलू की बट आई एट के रिवर्स को यहाँ पर भैया स्पॉट कर दिया, आई एट के रिवर्स जो यहाँ पर शायद थोड़ी सी मुश्किलों में हो सकते हैं। आई एट वर्सेज बबलू यहाँ पर जो है आई एट वर्सेज बबलू हमको देखने को मिल सकता है, आई एट एंड बबलू की तरफ से जो फुल पुश आते हुए रिवर्स के ऊपर। क्या यहाँ पर रिवर्स कुछ कर पाएंगे क्या यहाँ पर जो यहाँ पर, या तो यहाँ पर जो बग्घी लेकर जो है एक फॉल बैक करने की कोशिश जो है वो उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा स्मार्ट आइडिया था कि भाई अपनी टीम के ऊपर जाके सीधा फॉर्म अप करो और साथ खेलोगे तो भाई बचे रहोगे, ये उनकी तरफ से जो उन्होंने सोचा था ये बहुत ही अच्छा उन्होंने सोचा एक तरफ से। बट कोई नहीं, यहाँ पर जो है अगर आप देख सकते हैं कि बबलू की टीम आई गेस अगेन बबलू की जो प्लेन है यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो हाथ में, आई गेस प्लेयर जो है आज विद दैट टीम फॉर्मेशन जो है टीम फॉर्मेशन चार दोनों का हो चुका है चारों बंदा, बट यहाँ पर बबलू बैन को जो यहाँ पर उन्होंने गवा दिया है कहीं ना कहीं। बट बबलू का जो एक लॉस है वो हमको देखने को मिल चुका है, द फर्स्ट लॉस जो है भाई वो हमको देखने मिल चुका है बबलू के लिए, बबलू के पैन यहाँ पर उन्होंने गंवा दिए हैं। बट कोई नहीं, फिलहाल के लिए जो है अभी भी बंदे जो है स्टिल सर्वाइविंग बहुत ही अच्छे से भाई सर्वाइव करते हुए आई एट की टीम की तरफ आई एट के ब्लेड वहाँ पर जो है M4 का एक टैप 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 देने की कोशिश है उनकी तरफ से, उनको पता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर बंदे हैं ऊपर। और ये जो टीम है वो है 52x की जो टीम है वो वहाँ पर 52 एंड फेरो वो दोनों वहाँ पर है ना, बट लोग टीम वुल्फ ने जो है वहाँ पर अगेन एक नॉक निकाल लिया। बट फिलहाल के लिए हम अभी यहाँ पर जो आई एट की टीम फैन फेवरेट टीम जो यहाँ पर सबकी रहती है वो है एंड जो है वहाँ पर आ चुकी है। बट कोई नहीं, यहाँ पर आ चुकी वोल्टेज जो है वहाँ पर आगे बढ़ते हुए आई एट के ब्लेड वहाँ पर जो टैप टैप देकर जो है स्मोक में कहीं ना कहीं कनेक्शन निकालने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। बट कोई नहीं,
चलिए यहाँ पर जो है अभी हम फिलहाल के लिए बबलू की टीम की तरफ वापस चलते हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा क्लोज रेंज जो है फाइट चल रहा है शायद आर टू वी का। एंड आर टू वी की तरफ अगर हम देखें तो चले कोई नहीं, टीम वुल्फ वहाँ पर जो है थोड़ा सा होल्ड करके एक एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेट जो है उन्होंने कुक कर लिया है पूरा का पूरा, एंड ये नेट जो है कहीं ना कहीं जाके फेंकेंगे तो शायद कोई कनेक्शन, बट कोई नहीं यहाँ पर कोई कनेक्शन आता हुआ नहीं दिखाई दिया। एंड चलिए कोई नहीं यहाँ पर जो है फिर से अगेन आई एट के जो बंदे हैं वो भी वहाँ से टैप टैप देकर जो आर टू वी के प्लेयर्स को ट्रबल में करते हैं। बट यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा नेड आते हुए फ्रॉम टीम वोल पर वोल्टेज को यहाँ पर जो उन्होंने लिया है, बट ओनली फॉर समथिंग राइट नाउ इज अरमान। यहाँ पर जो अरमान जो है वो वहाँ पर रह गए नेड्स की जो बारिश के जाकर मारने की कोशिश की जाएगी। बट यहाँ पर आई एट के पीछे की जो स्प्रे है वो कहीं ना कहीं कनेक्शन है बब्लू के पीछे हो गई, जो वहाँ से जो वहाँ पर वो ले गए हैं। बट आर टू वी की जहाँ पर क्लोज रेंज फाइट होते हैं यहाँ पर स्मोक में जो मारने की कोशिश, बट फिर भी को बबलू के टीम वुल्फ ने जो है आर टू वी वोल्टेज को वहाँ पर ले लिया। बट ये क्या आई एट की टीम ने भैया यहाँ पर फुल जो है एक तरह से बबलू की टीम के ऊपर कर दिया है रश। एंड बबलू की जो आप देखें कि एक प्लेयर नॉक था, एंड यहाँ पर जो है आई क्यू आते हुए अंदर ही अंदर आई क्यू भाई यहाँ पर 5 किल्स के साथ उजम है रिव्यूस है भाई वो क्या करने वाला है पर क्लोज रेंज में फाइट होने वाले यहाँ पर दोनों की तरफ से। यहाँ पर यहाँ पर जो उनके दानू क्या दानी को यहाँ पर जो फिनिश कर लेगा नॉक करके। एंड बबलू की तरफ से 2 प्लेयर्स सर्वाइविंग फॉर राइट नाउ, या यहाँ पे बबलू वाइप आउट होते हुए हमको दिखाई दे बबलू के टीन वुल्फ इज द ओनली वन सर्वाइविंग। वो वहाँ पर जो एक एंगल होल्ड करके जो एफ ई पी करके वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको पता है कि वहाँ पर कोई ना कोई पॉसिबिलिटी की एक नॉक करके फिनिश कर दी मे बी, बट कोई नहीं यहाँ पर आ जाएगा। पैन लेकर जो आगे मारने की कोशिश की गई थी पैन से, बट कोई नहीं यहाँ पर एक नॉक निकाला दो नॉक निकाला क्या यहाँ पर टीम वुल क्लच कर पाएंगे, क्या टीम वुल यहाँ पर क्लच कर पाएंगे। अगर उन्होंने यहाँ पर क्लच कर दिया तो भाई क्या ही सीन यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर उनकी तरफ से एफ पी पी मोड में करके जो है दोनों के दोनों यहाँ पर एक वो निकालेंगे। बट यहाँ पर वन वन सिचुएशन हो गई, दो ही बंदे यहाँ पर रहते हुए, बट यहाँ पर वो दोनों की मोड पर जाते हुए ब्लू के टीम वुल्फ ने भाई यहाँ पे एंड में 1v3 कर दिया ऑन आई एट, 1v3 कर दिया ऑन आई एट। भाई क्या ही उन्होंने भाई यहाँ पे वो लोग जो है आई एट वालों ने सोचा था कि भाई वहाँ पर आगे आके पैन करेंगे, बट वो पैन जो है अनसक्सेसफुल रहा टीन वुल्फ के ऊपर। एंड टीन वुल्फ को जो है उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट आते हुए, एंड उन्होंने यहाँ पर जो है फुल फाइट निकाल ली है। बबलू यहाँ पे चिकन डिनर लेते हुए आओ, यहाँ पर अगर आप किल्स देखो उनके 26 किल्स जो है चिकन डिनर है उनके पास, 26 किल्स चिकन डिनर यहाँ पर बबलू ने निकाला है। आई एट के पास जो है रिव्यूज़ के पास जो है आप देख सकते हैं 3 किल्स हैं, उजम के पास 3 किल्स हैं, 6 किल्स आई क्यू के पास हैं, ब्लेड के पास 2 किल्स हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर उनके पास 14 किल्स जो है हो चुके हैं। बट नंबर 3 पे जो यहाँ पर आर टू वी की स्क्वाड आते हैं वोल्टेज ब्रांड अरमान रोड अबू बकर 1-1 किल्स फ्रॉम वोल्टेज एंड अरमान, 4th पोजीशन पे आते हुए डाकू नॉक्टो पेन एंड फेरो 2 किल्स फ्रॉम नॉक्टो, 5th पोजीशन में जो आप देख सकते हैं स्टार की टीम आते हुए विथ 7 किल्स फ्रॉम गॉड फ्यूरी एंड 2 किल्स फ्रॉम जायरो जे एंड 1 किल फ्रॉम मिराकल, देख सकते हैं 10 किल्स जो है उन्होंने यहाँ पे निकाल लिया, 10 किल्स यहाँ पर स्टार की टीम निकालते हैं 5th पोजीशन में। 6th पोजीशन पे जो आई सी एंग्री एस के पी फ्रॉस्ट ऑफ टर्मिनेटर बी एच बीस्ट फ्रॉस्ट की टीम, फ्रॉस्ट के पास 3 किल यहाँ पर होते हैं, बीस्ट के पास 1 किल। एंड 7th नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्स रेवनी की टीम आते विद 1-1 किल फ्रॉम शाका बूम एंड 4 वी शाली यस। एंड 8th पोजीशन पे आप देख सकते हैं पायरो राफे की टीम है, कामी है 2-2 किल जो है राफे के पास है, स्लेयर के पास 2 किल, कामी के पास 2 किल है, तो यहाँ पर 6 किल्स उनके पास है। 9th पोजीशन पे अगर आप देखें तो बी वाई टी और बी बॉट एच आर सोमी की टीम पर आ चुकी है 3 किल्स के साथ। 10th पोजीशन पे डेड सेक्स साइको की टीम आती हुई विद 2 किल्स। 11th पोजीशन पे जो है आप देखते हैं मारिया डी एच नो फॉर गोस्ट एंड क्रेजी की तरफ से जो है 3 किल्स विच इज़ फ्रॉम क्रेजी। 12th पोजीशन पे ओएस की टीम आती हुई विद 0 किल्स। 13th पोजीशन में जॉर्ड कास्ट्रो की टीम आती हुई फ्रॉम मून एंड फ्लैक्स 1-1 किल उनकी तरफ से आते हुए एंड 2 किल्स जो है उनके पास यहाँ पर हो चुके हैं। 14th पोजीशन पे स्पिन्स की टीम आते हुए विद 4 किल्स
3 किल्स फ्रॉम कदीर, 1 किल फ्रॉम अकील। 15th पोजीशन पे जो है रोर के पांडा वाईटी हैं, टीओपी की फनी ओपी हैं, फाइन बाबा वाईटी विद 0 किल। 16th पोजीशन पे 4 आरवी की पूरी पूरी स्क्वाड आते हुए विद 0 किल्स। एंड 7th पोजीशन पे एफटी अयूब नेफ एन आरडीएक्स की टीम आते हुए विद 0 किल्स। 18th पोजीशन पे एमके की पूरी टीम आते हुए विद 1-1 किल फ्रॉम एसपीआर असद एंड एमके गेमिंग। एंड 19th पोजीशन पे एफएम की टीम विद 0 किल्स। 20th पोजीशन पे यूएनक्यू वाकिफ की टीम पूरी यहां पर जो यूएनक्यू की टीम थी वो 0 किल्स में यहां पर जाते हुए। 21 पोजीशन पे डीडब्ल्यू की टीम यहां पर आते हुए विद 0-0 किल्स। एंड 22 पोजीशन पे आते हुए 3x के मिरेकल गैम्बलर एंड मिरेकल 33 विद 2 किल्स फ्रॉम मिरेकल। तो स्टार ऑफ द मैच यहां पर जो है हमारे हो गए हैं बबलू के पीका ओपी विद 11 किल्स। बेस्ट कंपेनियन जो है बबलू के टीन वुल्फ विद 5 असिस्ट 3 रिवाइव्स। एंड बबलू के टीन वुल्फ जो है विद दोस 8 डिफीट्स जो है वो उन्होंने यहाँ पर जो है फिनिशर का टाइटल भी यहाँ पर मिलते हुए फिलहाल के लिए। तो चलिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है उनका जो फाइनल रूम होने वाला है उनकी तरफ यहाँ पर हम जाने वाले हैं। फिलहाल के लिए तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
हम जाने वाले हैं टूवर्ड्स द थर्ड एंड फाइनल मैच आज का, जो होने वाला है इरेंगल का। इरेंगल का जो ये मैच है भाई, ये होने वाला है बहुत ही खतरनाक, क्योंकि सब टीम्स मुझे लग रही हैं कि ये प्रिपेयर होके आई हैं इस बार की भैया ज़्यादा से ज़्यादा किल्स निकालने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किल्स निकालने हैं उनको। एंड कहीं ना कहीं जो है उनको पॉइंट्स जो है वो चाहिए टू बी ऑन टॉप। बट यहाँ पर जो है दूसरे दो मैचेस की बात अगर हम करें तो बबलू ने जो एक परफॉर्मेंस दी है मीरामार में, मैं उसके लिए बिल्कुल ही स्पीचलेस हूँ, क्योंकि बबलू का जो मीरामार है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमें पता। और बबलू ने, टीम बबलू ने जो ये खेला है भाई, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा उन्होंने खेला यहाँ पर। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि एंट्री जो है यहाँ पर, जो एंट्री जो है हमारी हो चुकी है आप देख सकते हैं। एंड बबलू की टीम की तरफ से जो है पैन आ चुके हैं, 3 गोल्फ आ चुके हैं, दान आ चुके हैं, एनपी का ओपी जो है यहाँ पर, एंट्री जो है इन लोगों की यहाँ पर हो चुकी है। पर बस देख लूँ कि माइक शाइक सब ऑन है ना, बस ठीक है, ओके गाइस सब कुछ ऑन है, सब कुछ सही है। तो चलिए गाइस फिलहाल जो है हम जाने वाले हैं रूम की स्टार्टिंग होने वाली है 70 सेकेंड्स जो है इधर, 70 सेकेंड्स। आवाज़ जो है तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो बंदे जो है यहाँ पे भाई सारे तरफ प्लेयर्स एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, देखे जा सकते हैं। बट कोई नहीं, हम यहाँ पर सारे सारे टीम प्लेयर्स के साथ गाइस यहाँ पर जो है वेट हो रहा है थोड़ा सा। और वेट होते ही हम यहाँ पर जो है स्टार्ट करेंगे। आ, 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 एक मिनट बस थोड़ा सा। तो गाइस जैसा कि हमने बोला था यहाँ पर जो है इरेंगल का जो ये मैच है, थर्ड मैच एंड फाइनल मैच आज का जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर फिलहाल के लिए। एंड जो है इसी के साथ हम यहाँ पर जो है प्लेन का पाथ जो है वो हमको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। एंड आप देख सकते हैं कि जॉर्जियो पूल से जो है पूरे का पूरा होते हुए जा रहा है टूवर्ड्स द सदर्न साइड, और ये पूरे का पूरे टूवर्ड्स जाते हुए नोवो, तो जॉर्जियो पूल हॉस्पिटल गट का पोचिंग की फेरी पेयर प्राइमोस्क और मिलिट्री की जो ड्रॉप्स हैं ये बहुत ही इजीली जो है आप वहाँ पर अपना ड्रॉप ले सकते हैं। एंड उसके बाद जो है आपका एक जो लूट है वो करके आप जो है रश मारना या कुछ भी करना जो है शुरू कर सकते हैं। बट टीम्स के लिए जो मुश्किलें होने वाली है वो होने वाली है एक स्पिन्स की टीम के लिए, थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं क्योंकि उनका जो ड्रॉप पॉइंट है वो है यासने, और यासने जाते जाते रहे अगर कहीं बीच में गाड़ी लेते हुए जो है क्लैश जो है कहीं ना कहीं वो हमको देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलिए यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि टीम्स की जो ड्रॉप पॉइंट्स है वो आगे बढ़ते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। बबलू की टीम आगे जा रही है, बबलू जो है आगे बढ़ते हुए यहाँ पे टूवर्ड्स देयर ड्रॉप पॉइंट जो है उनका, जॉर्जियो का जो जॉर्जियो के जो पीछे वाले घर हैं वो उन्होंने वहाँ पर ले लिए हैं टोटली। एंड अपनी जो है ड्रॉप लोकेशन जो है वो अपनी ड्रॉप लोकेशन पर लूट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर DW की टीम जो है जॉर्जियो कंटेनर जो है उनकी यहाँ पर लूट लोकेशन जो है अपनी लूट लोकेशन में लूट करते हैं। इरफान के पास जो है क्विकली क्विकली यहाँ पर हम देखते हैं, इरफान के पास एक स्कारल हो चुकी है, M16 यहाँ पर जो है क्विकली यहाँ पर मिल चुकी है। एंड आगे बढ़ते हुए टूवर्ड्स द डिफरेंट टीम अगर यहाँ पर चले तो I8 की तरफ हम यहाँ पर देखते हैं, I8 के जो IQ हैं, IQ थिंग्स या स्टार बॉय भाई बस क्या बोलूँ। चलो यहाँ पर जो IQ की टीम ने जो अपना जो एक ड्रॉप पॉइंट जो है वो जो उन्होंने ले लिया है, और यहाँ पर जो है फर्स्ट सर्कल आप देख सकते हो कि भाई फर्स्ट सर्कल जो है यहाँ पर बन चुका है, और जो फर्स्ट सर्कल है वो थोड़ा सा जो है शिफ्ट मारा है। एंड
अगर आप देखें तो इसमें जो टीम्स जो एंटर हैं अभी भी जोन के अंदर वो है फार्म के पास, मिल्टा के पास, और इनके पास जो टीम है इनके पास अभी भी जोन होते हैं। बट यहाँ पर जो है अल्फा के स्पॉटर स्पिन्स कदीर को, जो मैंने बोला था भाई कि मुश्किलें होगी वो होगी स्पिन्स की टीम के लिए, और वही हुआ कि स्पिन्स की जो टीम है यहाँ पर स्पिन्स के जो नियाजी हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी डी सी खड़े हुए हैं आई गेस, एंड स्पिन्स की टीम यहाँ पर अपने एक बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर को खोते हुए कदीर को अर्ली स्टेजेस में, एंड गुलफाम ने जो है यहाँ पर उतरते ही अपने साथ जो है अपनी जो है भैया लूट शुरू कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि M16 उनके पास है, तो जैसा कि मैंने बोला था गाइस वही हो रहा है कि फ्रेंड्स जो है थोड़े यहाँ पर जो है मैसेज करने शुरू कर देते हैं, बट कोई नहीं बने यहाँ पर जो है स्पिन्स के गुलफाम के पास, जैसे मैंने बोला था M16 यहाँ पर उनके पास अच्छे से होते हुए, साथ में शायद उनके पास AKM है, एंड लूट करते हुए अपनी जो है छोटे छोटे कंपाउंड्स में लूट करके स्प्लिट लोकेशन से ड्रॉप लूट करके आगे बढ़ते हुए हमको दिखा देंगे टूवर्ड्स देयर यासना की तरफ आई गेस सो, बट कोई नहीं, चलिए हम जो है यहाँ पर चलते हैं टूवर्ड्स दी अदर टीम की तरफ। यहाँ पर चलते हैं 52X की तरफ चलते हैं, एंड 52X यहाँ पर जो है नॉक्टो जो है वो अपना जो है ये बहुत अच्छे से जो है लूट कर रहे हैं अपनी जो उनके पास M4 है, उनके पास UMP है, M4 फॉर मिड रेंज लॉन्ग रेंज, तो दोनों में ही यूज़ हो जाती है। UMP जो है आपको पता ही क्लोज रेंज गॉड गन फिलहाल के लिए मानी जा रही है, उससे अच्छी गन कोई है ही नहीं। एंड नॉक्टो के पास यहाँ पर जो है लूट अपनी पूरी करते हुए फेरो के पास अगर हम चले तो फेरो के पास यहाँ पर वही UMP के साथ आगे बढ़ते हुए एक फर्स्ट एड उनके पास है, 5 बैंडेजेस हैं, लेवल 1 का वेस्ट है यहाँ पे। बट I8 की टीम यहाँ पर जो है भैया फर्स्ट नॉक एंड फिनिश निकाल चुके हैं रिव्यूज़, और यहाँ पर जो है भाई IQ जो है वो भी यहाँ पर जो एक नॉक फिनिश निकाल चुके हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो टीम नंबर 1 की जो यहाँ पर टीम नंबर 1 है वो यहाँ पर आते हुए हमको दिखाई दे रही है, वो है टीम नंबर 1 की जो तूफ़ान है ये भाई, कौन है ये भाई, अच्छा NSP का TGC तूफ़ान जो है वो वहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर IR की तरफ से जो है हम आगे बढ़ते हुए, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं, एंड चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या I8 की टीम जो यहाँ पर इनको एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल रहेगी नीनी पे की पिछली बार की तरह थोड़ा पैन शैन के चक्कर में ना यहाँ पर लग जाए, क्योंकि पैन शैन के जब के चक्कर में जो है यहाँ पर कोई थोड़े यहाँ पर फ्लाइट हो जाते हैं। बट यहाँ पर NVCC के DVC के जो तूफ़ान है वो यहाँ पर जो है ईजीली नॉक होते हुए, एंड I8 की टीम यहाँ पर जो है फुल अपना मिलिट्री डोमिनेट करते हुए और अपनी लूट पूरी करते हुए हमको यहाँ पर दिखाई देंगे। चलिए यहाँ पर जो है फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पर टूवर्ड्स T13 की तरफ, जो है रोर अबू बकर जो है यहाँ पर अपनी पोचिंग की में जो है पूरी की पूरी लूट करते हुए हमको दिख रहे हैं। लूट उनके पास बहुत अच्छी से यहाँ पर हो चुकी है, लेवल 2 की वेस्ट है इनके पास, एक M4 है, M7 जो है क्लोज रेंज वेपन बहुत ही अच्छा है, एंड बाकी की चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार जो है फिर स्टार की तरफ भी यहाँ पर हम बढ़ते हुए आगे, स्टार की जो टीम है यहाँ पे ये भी आगे बढ़ते हुए यहाँ पे स्टार की टीम भी ज़ायरो जे जो है अपनी लूट कर चुके हैं। यहाँ पर जो है एक्स रियानू की जो है यहाँ पर फाइट, यहाँ पर एक जो एक्स रियानू की टीम की जो फाइट है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, एंड 4v की शादी को वो ऑलरेडी यहाँ पर क्लोज रेंज में, बट यहाँ पर जो है क्लोज रेंज में उन्होंने यहाँ पर जो एक्स रियानू ने यहाँ पर कर दिया है PJ रहमान को एलिमिनेट। सो आई गेस यहाँ पर जो एक टीम जो है वो यहाँ पर जा चुकी है वो है PJ रहमान की, पायरो के जो टीम थी वो रैम्बो एंड कामी वो भी यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं। PJ रहमान, FT, अयूब एंड नैफ जो है वो दोनों यहाँ पर एलिमिनेट होते हैं। यहाँ पर नैफ की तरफ से जो है एक किल यहाँ पर निकला था, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे रियानू जो है वो 4v शाली को यहाँ पर जो है गवा चुके हैं इन द अर्ली स्टेजेस। पर इनके पास अगर यहाँ पे किल्स देखें तो 3 किल्स रियानू के पास है, अंशका बूम के पास 1 किल यहाँ पर अभी भी होते हुए। बट यहाँ पर अभी हम जाने वाले हैं टूवर्ड्स टीम बबलू के पास जो हम जाने वाले हैं। टीम बबलू की तरफ से जो पैन है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं थोड़ा सा, एंड चलिए यहाँ पर जो है स्टार की टीम भी शायद यहाँ पर थोड़ी सी फाइट हो रही है, बट यहाँ पर जो बबलू की टीम जो है शायद थोड़ा थोड़ा जोन में जो है शिफ्ट करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर जो है मशीन से लूट कर रहे हैं दानी एंड टीम वुल्फ एंड पीकाओ भी शायद वहाँ पर जो है गाड़ियाँ उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। सो चलिए यहाँ पर जो है स्टार की तरफ यहाँ पर चलते हैं, स्टार की तरफ से ओसामा को, जहाँ पर स्टार के ओसामा यहाँ पर जो है ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, तो कोई नहीं, चलिए
स्टार के यहाँ पे मिरेकल हैं, गॉड फ्यूरी एंड जायरोजेन, वो सब तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अभी भी, अभी भी थोड़ा सा जो होल्ड करते हुए उनकी तरफ से कोई एक्शन जो है नहीं दिखाई दे रहा, बट यहाँ पर जो है स्पिन्स के नियाजी वो लगता है थोड़ा ऑफलाइन ही हो गए हैं एंड वो जो है कहीं भी हमको एक्शन में दिख ही नहीं रहे कुछ भी करते हुए। बट फाइम के अकील जो हैं वो अभी भी यहाँ पर हैं एंड आई गेस स्पिन्स के जो गुलफाम है उन्होंने एक रोटेशन देकर जो है अपना ऊपर से जाते हुए पूरा का पूरा जो है यासनिया जो है वो एंटर कर जाएंगे जो उनका ड्रॉप लोकेशन जो एक फाइनली है। बट कोई नहीं, फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भाई ये फाइट है, यहाँ पर ये फाइट होने वाली है पोचिंगी में, क्योंकि यहाँ पर जो रोटेशन जो है आसपास से जाते हुए हमको दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर जो है ब्रांड की तरफ से स्पॉट करने की कोशिश की गई थी रोटेशंस को या बंदों को, बट कोई भी रोटेशन या बंदे यहाँ पर दिखाई नहीं गए। बट यहाँ पर जो है रोर के अबू बकर ने यहाँ पर जो है आईसी डियाज को पक्का से पक्का भैया यहाँ पर जो उन्होंने उसको स्पॉट कर लिया है आईसी डियाज को, रोर अबू बकर को हम यहाँ पर देखने वाले कि वो उनकी तरफ से क्या होने लगे, क्योंकि रोर अबू बकर ने यहाँ पर आईसी डियाज को जो स्पॉट कर ही लगा, कहीं ना कहीं उनको फुटस्टेप तो ये तो आई गई होगी कि कोई ना कोई बंदा पास है, बट वो वहाँ पर जो है घर के पास वाले बंदे को ना देखते हुए फ्रॉस्ट को ऊपर देखते हुए हम स्पॉट करने की कोशिश में वहाँ पर जो है एक कोशिश जो है एक होलोग्राफिक साइड से मारने की कोई करी गई थी, बट वो जो है नाकामयाबी देखी गई क्योंकि बुलेट्स कनेक्शन जो हमें एक भी नहीं देखा गया। भाई क्या ही यहाँ पर क्या ही रोर अबू बकर यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किलों में मुझे लग रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सराउंड हो चुके हैं यहाँ पे आईसी डियाज की टीम की तरफ से। बट चलिए एक जो है ये फाइट जो है यहाँ पर ये फाइट देखते हैं, यहाँ पर इनकी जो ये फाइट होने वाली है उनकी तरफ से करते हैं। बट आईसी डियाज जो है यहाँ पर पुश करने की जो उनकी जो है मेरे ख्याल से कॉल आ चुकी है, क्योंकि डियाज जो है फुल पुश करने के मूड में है और वो जो है अबू बकर के घर के पास में है एंड आईसी के जो डियाज है उन्होंने वहाँ पर नेड खोल लिया है। नेड खोलते अबू बकर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हुए थोड़ा सा एक एंगल उनको जो पता है कि यहाँ पर बंदे होंगे वहाँ पर जो एक पता है कि अगर वहाँ एक नेड आएगा ही आएगा तो वहाँ से भाग जाओ, और वो रोड अबू बकर ने बहुत ही अच्छे से जो कि यहाँ पर वो दिखाया एंड आईसीडीएस जो है वहां पर अभी भी बैठे हुए आईसीडीएस की तरफ से जो है बट ब्रांड ने जो आईसीडीएस को फिनिश नॉक करते ही फिनिश कर दिया वहां पर आईसीडीएस को, क्योंकि वहाँ पर जो है ऊपर ब्रैड ने बहुत ही अच्छा एक होल्ड करके रखा हुआ था पॉइंट, जहाँ उनको पता था कि अगर यहाँ से कहीं से भी पुश आता है तो ब्रैड के पास जो है बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जहाँ पर वो आईसी के प्लेयर्स को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं एंड वही वो आईसी के डियाज को वहीं पर ही देखते हैं। इंस्टेंट नॉक फिनिश जो है वो दिया गया वहाँ पर, आईसी के जो एंग्री हैं वो अभी भी रोर अबू बकर की टीममेट्स के पास होते हुए, बट आई एंग्री अरे यार ये मेरा उधर क्यों चले जाता, हाँ तो एंग्री जो है अभी भी थोड़ी सी मुश्किलों में होते हुए वो अभी जो यहाँ पर प्लेयर्स को स्पॉट करने की कोशिश उनके ऊपर नेट्स जो है कंटिन्यूस एक नेट्स जो है वो आए जा रहे हैं। बट यहां पर आईसी के एंग्री अगेन थोड़ी मुश्किलों में सकते हैं, अगर ब्रांड को वहाँ से अगर थोड़ा सा भी एंगल मिला तो ब्रांड वहाँ पर मरने की कोशिश करेगा, बट ब्रांड को वहाँ पर जो है एसकेबी के फ्रॉस्ट ने बहुत ही अच्छा एक M4 का स्प्रे जो है कनेक्ट करते हुए वहाँ पर उन्होंने उनको नॉक कर दिया है। बट कोई नहीं, चली यहाँ पर जो है डिमांड जो है वो आ रही है डेड सेक की, बट डेड सेक को भी दिखाएंगे, बट थोड़ा सा वेट कर लो जहाँ फाइट चल रही है वहाँ पहले ब्रो। बट जैसा कि यही है वहाँ पर वहाँ पर फ्रॉस्ट जो अंदर घुसते हुए एंड फ्रॉस्ट को वहाँ पर नॉक कर दिया है भाई, फ्रॉस्ट वहाँ पर नॉक कर दिया है अबू बकर ने। एंड क्या आपको लगता है भाई यहाँ पर जो सर्वाइवल की जो सिचुएशन है यहाँ पर अब जो है आईसी की टीम के पास बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि यूजी के जो टर्मिनेटर है टर्मिनेटर इज द ओनली वन सर्वाइविंग फॉर नाउ, और वो जो है लगता है मुझे थोड़ा सा पीछे है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फॉल बैक करके जो है वो वहाँ पर निकाल लेंगे। बट यहाँ पर जैसा लगे डेट सकते वहाँ पर आई8 की फाइट होती हुई वहाँ पर दिखाई दे सकती है, तो चलिए भैया अब आई8 की फाइट के ऊपर जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आई8 की फाइट को हम कभी कहीं मिस नहीं कर सकते। बट यहाँ पर आई8 के ब्लेड हमें बैठे हैं, आईक्यू वहाँ पर बैठे हैं एंड डेड सेक की फाइट यहाँ पे होते हुए हम देख सकते हैं यहाँ पर टोटली। बट आई8 के ब्लेड के ऊपर भी क्या यहाँ पर नेड आया गया, यस आई8 की टीम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में, क्योंकि डेड सेक वजी जो है आगे बढ़ चुके हैं आई8 के ब्लेड के ऊपर, उन्होंने ऑलमोस्ट फिनिश दे दिया। आईक्यू वहाँ पर बैठे हुए हैं, आईक्यू की जो हेलमेट है वो टोटली लॉस में वहाँ पर चल रहा है। बट क्या यहाँ पर आई8 के वजी वहाँ पर आगे बढ़ते हुए आगे क्या वो यहाँ पर डेड सेक के वजी को ले पाएंगे, अगर उन्होंने यहाँ पर डेड सेक के वजी को यहाँ पर लिया तो उनके लिए, बट नहीं पीछे से कवर फायर आते हुए एंड आई8 के पूरी स्क्वाड यहाँ पर सर्वाइविंग, और वो वहाँ पर कहीं ना कहीं स्प्रे देकर जो है एक कोशिश ये की जा रही है प्लेयर को नॉक करके आगे बढ़ा था। बट नहीं यहाँ पर जो उनके लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, डेड सेक के चारों प्लेयर आगे बढ़ते हुए भाई ये क्या सीन है भाई यहाँ पर जो ये जो मैच था आई8 जो है पूरी फैन फेवरेट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में पड़ते हुए यहाँ पर हम उनको दिखाई दे रही है। बग्गी के ऊपर स्प्रेज आएंगे
जाहिर से बात है उनको ये लग चुका है कि उनको पता चल चुका है कि यहाँ पर जो I8 की जो उज़्म है वो वहाँ पर जो है पीछे आ चुके हैं, एंड बग्गी फोड़ के जो है कहीं ना कहीं वो किल सिक्योर बराबर जो है बहुत ही अच्छा स्प्रे उज़्म की तरह से डेड सिंह बग्गी को यहाँ पर एक नॉकआउट किया गया। क्या ही उन्होंने वहाँ पर स्प्रे किया था जो बग्गी में बैठ गया था, बग्गी में बैठ के जो उन्होंने आगे पुश करने की कोशिश की गई थी, बट एनी हाउ वहाँ पर जो है उन्होंने एक वो जो स्प्रे देकर जो किया है वो एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पर निकालने की कोशिश की, यहाँ पर रिव्यूज़ को पूरा पूरा एक रिवाइव देने की जो ये अपॉर्चुनिटी है ये ना खो जाए, बट कोई नहीं यहाँ पर जो है भाई I8 ने भैया यहाँ I8 के उज़म ने भैया बहुत ही अच्छा नॉक देकर जो है रिव्यूज को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रिवाइव दे दिया है, बट यहाँ पर इसके साथ जो है वो आगे पुश करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं मेरे ख्याल से, और पुश करने की कोशिश नहीं वो मेरे ख्याल से कोशिश ये थी कि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो उनको गाड़ी के नीचे लेकर कुचल दिया जाए, बट कहीं नहीं वो जो है वो चीज़ वहाँ पर नहीं हुई है। एंड I8 के बंदे यहाँ पर कहीं ना कहीं सिचुएशन हैंडल करते हुए ना अपने आप को वापस गेम में लाने की कोशिश करते हैं। दो बंदे यहाँ पे सर्वाइविंग है I8 की तरफ से उज़म एंड रिव्यूज, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं भैया गेम निकाल लेंगे डेड सेक की तरफ से, बट यहाँ पर डेड सेक के बंदे जो है क्या ही यहाँ पर उन्होंने निकाला, बट डेड सेक की पूरी स्क्वाड यहाँ पर जो है भैया नहीं 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 कैसी, हाँ यहाँ पर डेड सेक की पूरी जो स्क्वाड है वो पीछे से हो चुकी है एलिमिनेट। यहाँ पर स्पिन्स के गुलफाम जो है भैया एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, स्पिन्स के गुलफाम फॉर द फर्स्ट टाइम एक्शन में दिखाते हैं विद दैट डीपी जो है उनकी 4x के साथ चलाते, काफ़ी अच्छा स्प्रे दे रहे हैं DP 4x का वहाँ पे, बट यहाँ पर आगे हम चलते जाते हैं। बट जॉर्ड कास्ट्रो की टीम अगर हम देखें तो जॉर्ड की टीम यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन होल्ड करके वे खेल रही है। चलिए बबलू की टीम की तरफ चलते हैं, बबलू की टीम जो अभी शायद किल्स निकाले, बबलू के मेन के यहाँ पर 2 किल हो चुके हैं, बबलू ये जो टीम विल्फ है वो पिछले मैच के हीरो वो उनके 1 किल यहाँ पर निकाल चुके हैं, बट फिलहाल के लिए वो जो एक रिवाइवल है वो उनको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड स्प्रेस जो है कंटिन्यूसली इधर उधर से उनके ऊपर आते हुए, क्योंकि नहीं नहीं ये जो स्प्रेस का जो कनेक्शन था कहीं ना कहीं बबलू की टीम के ऊपर वो कहीं से हो नहीं पाया। एंड 52x की अगर हम बात करें तो 52x की टीम की तरफ से अगर हम देखें तो फेरो है, डाकू है एंड नॉक्टो है, ये अभी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। पीछे से उन्होंने डेडसेक की पूरी पूरी टीम को जो है वहाँ पर से स्प्रे देकर जो है उन्होंने एलिमिनेट ही कर दिया। डेडसेक की टीम जो एक टाइम पर I8 की पूरी पूरी टीम के ऊपर भारी पड़ रही थी भाई, उन्होंने वहाँ पर जो है 2 बंदों को नॉक करके फिनिश कर दिया था, 3 बंदे थे, सिर्फ उज़म ही रह गए थे वहाँ पे, उज़म ने जो है भाई नॉक देखकर जो पुश देखकर उन्होंने निकाला, बट पीछे जो 52x की तरफ से जो एक मौका मिला और उन्होंने डेडसेक की पूरी स्क्वाड को एलिमिनेट कर दिया। बट अगेन यहाँ पे दानी, यहाँ पर बबलू की टीम कमिंग बैक इनटू द एक्शन, बबलू के दानी जो है यहाँ पर भैया किल्स निकालते हुए हमको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। दानी ने 1 किल यहाँ पर निकाला, वुल्फ के पास 1 किल है, पैंट बजे 4 किल्स जो है टोटली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने 4 पॉइंट्स यहाँ पर जो है फुल यहाँ पर बबलू की टीम जो है ले चुकी है। बट फिलहाल की अगर आप जोन की बात करें, ये जोन जो है छोटा हो चुका है, और जैसा कि मैंने बोला था कि फार्म और मिल्टा का जो एरिया है इसी के अराउंड जो है ये जोन फॉर्म होने वाला, और वहीं पर जो है जोन फॉर्म हुआ। बट यहाँ पर जो UNQ की टीम थोड़ी सी मुश्किलों में, UNQ की जो वाकिफ है वो वहाँ पर जो है हो चुके हैं एलिमिनेट। TRT के यहाँ अकेले खेलते हुए हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एंड एक टीम के ऊपर जो है फुल स्प्रेस दे देकर थोड़ी सी मुश्किलें डाल रहे हैं उनके लिए। अल्फा स्पाइडर के ऊपर जो है उन्होंने यहाँ पर स्प्रे देने की कोशिश की, अल्फा स्पाइडर ने वहाँ पर जो है टिकटॉक के रेक्स जो है उन्होंने वहाँ पर उनका किल चुरा लिया है वहाँ पे। एंड अब भैया ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे कोई यहाँ पर बैठने का कोई मकसद नहीं है, तो यहाँ पर जो एक रोटेशन जो है वो आई जाएगी फॉर श्योर। बट यहाँ पर जो है OS के गुरु IT वो यहाँ पर जो है भैया हो चुके हैं नॉक, OS के गुरु IT जो यहाँ पर नॉक हो चुके हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू गेट इन दैट जोन। बट यहाँ पर OS के गुरु IT के पास 1 किल है, OS की पूरी टीम के यहाँ पर 2 किल्स जो है ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर यहाँ पर जो है अगर ये नेड्स और ये स्प्रे का अगर सर्वाइवल यहाँ पर हो गया तो उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दे आर एट द एंड ऑफ द जोन में जो है इनका जो है ये टीम जो है एंड ऑफ द जोन में सर्वाइव करने की। बट यहाँ पर जो 1 नेड वो आया 52x की तरफ से, जो ये नेड और जो स्प्रे की बारिश हुई थी उसमें यहाँ पर जो है पूरी की पूरी OS की टीम यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए फ्रॉम 52x। ये जो टीम है भाई जाने वाली है PMWI शायद, एंड यहाँ पर जो उन्होंने जो भैया इनको सपोर्ट जो है सब की तरफ से मिल रहा है फिलहाल के लिए, और इन्होंने यहाँ पर जो है एक स्क्वाड वाइपअप जो है अच्छा खासा देखने लगा। बट I8 की टीम और यहाँ पे बबलू की टीम के साथ अगेन वो एक्शन देखने को हमको मिल रहा है। यहाँ पर I8 की टीम के पास जो है ऑलरेडी किल्स जो है वो बटोर चुके थे अपने पास, बट यहाँ पर बबलू को जो है यहाँ पर उन्होंने स्प्रे देकर जो है वो जो एक
नॉक्स और जो किल्स चाहिए वो वहाँ पर अपने को देखने को मिल चुके हैं उज़म की तरफ से। उज़म के पास यहाँ पर 2 किल्स हैं और वो जो है जोन में जाकर, उनको कोई मतलब मकसद नहीं यहाँ पर, कोई नहीं पॉइंट्स का, जोन में जाकर जो है यहाँ पर किल्स निकालने की कोशिश जो है वो की जाएगी। बट यहाँ पर जो है बबलू की तरफ से आई गेस रोटेशन जो है पहले ही आ चुकी है एंड दिस दे आर इनसाइड द जोन। तो उज़म ने जो थोड़ा सा ये जो डैमेज लिया जोन में जाने का, वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा उनको जो उनकी जो एक मकसद था कि कहीं ना कहीं जाकर जो है वो जोन में डैमेज लेकर जो है अपना किल निकालेंगे या यहाँ पर जो है बबलू के लिए मुश्किलें जो हैं वो डालने की कोशिश की जाएगी। बट कोई नहीं यहाँ पर जो है उनकी तरफ से कुछ भी नहीं होता था। रिव्यूज़ जो है वो भी आगे बढ़ते हुए, बट यहाँ पर जो है भाई टीम नंबर ये उनके साथ जो क्लैश होते हैं हमको यहाँ पर दिखाई दिया है। आईएड के उसको जो है वहाँ पर उतार दिया गया है। उज़म जो है अभी भी जोन की तरफ आगे बढ़ते हुए, उज़म को पता है कि यहाँ पर बंदे ही बंदे यहाँ पर आ चुके हैं। उज़म जो है आगे बढ़ते हुए फुल टाइट फैन फेवरेट टीम यहाँ पर जो है सबकी तरफ से, सबको पता है कि भाई आईएड है तो कोई मुश्किलें नहीं है। बट आईएड के उज़म जो है वो ही सिर्फ यहाँ पर सर्वाइव करते हुए आईएड कपूर स्क्वाड को अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ही इज़ नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर। वो अभी कहीं भी स्टॉप नहीं करते हैं पूरे का पूरा आगे बढ़ते हुए। बट बबलू की टीम क्या करते हैं, बबलू के यहाँ पर 2 बंदे ऑलरेडी यहाँ पर लॉस हो चुके हैं, पेन एंड दानी। ये जो चीज़ है बबलू के लिए थोड़ी मुश्किल है अभी जो है काफ़ी हो सकती है उनकी तरफ से। बट बबलू के टीन वुल्फ एंड पीकॉक भी अभी भी जोन में आगे बढ़ते हैं। बबलू के टीन वुल्फ ने यहाँ पर जो है 2 बंदे जो हैं यहाँ पर ले चुके हैं, 2 पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। बट टोटल अगर देखें तो 5 पॉइंट्स ऑलरेडी बबलू के पास यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है बबलू के टीम वुल्फ आगे बढ़ते हुए टू टेक दोज मोर पॉइंट्स, और उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं शायद 52 के एक्स डाकू को स्पॉट कर लिया है, नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो यहाँ पर उनके लिए बचत होते हुए थोड़ी सी, या नॉकटो के लिए भी। बट यहाँ पर जो है अभी आई गेस बबलू जो टीम है वो यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करके खेलने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको पता है कि अभी जो है 2 प्लेयर्स उनके पास नहीं है, तो फिलहाल के लिए ये होल्ड उनकी तरफ से आते हुए। बट रोर अबू बकर की जो टीम है वो यहाँ पे जो है करंटली शायद नॉकआउट या फिनिश होते हुए इंस्टेंट वाइप देखने को मिला है शायद रोर अबू बकर की टीम की तरफ यहाँ पर अगर हम देखें तो। बट चलिए अगली बार जो हम नज़र डाले थे एफएम की टीम की तरफ, एफएम के जो नासिर हैं वो लाइव हैं और अलाइव भी हैं फिलहाल के, और यहाँ पर जो है अपने टीममेट को रिवाइव देते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। एफएम के ज़ूस हैं, एफएम के ब्रांड, ये 4 प्लेयर जो एफएम की टीम की तरफ से अभी यहाँ पर खेलते हुए हमको दिखाई दे सकते हैं। बट यहाँ पर जो है स्कारल का स्प्रे 6x स्कारल इनके पास यहाँ पर है। हेलमेट वैसे इनका बिल्कुल इंटैक्ट है पूरा का पूरा, बिल्कुल कोई डैमेज नहीं बिल्कुल भी। बट एंड यहाँ पर आप देखते हैं 10 बैंडेजेस हैं, 3 फर्स्ट एड्स हैं, यूटिलिटीज़ भी उनके पास काफ़ी अच्छे से होते हैं। सो अभी दे आर वेल इनसाइड द जोन ऑल्सो, तो उनके लिए कोई मुश्किलें ही नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि जोन इनका साथ देते हुए एंड ऑफ द जोन बिल्कुल जोन के एजिस पे ही, जोन के बिल्कुल बिल्कुल एजिस पे ही ये लोग बैठे हुए थे, तो कोई नहीं कोई सीन नहीं है वहाँ पे। बट कोई नहीं, चलिए यहाँ पर जो है हम वुल्फ की तरफ बबलू की टीम की तरफ अगर हम देखें तो बबलू की टीम यहाँ पे फुल की तरफ यहाँ पर जो है बबलू की जो 3 वुल्फ उन्होंने यहाँ पर स्प्रे देने की कोशिश की गई थी, बट कोई नहीं वो जो कनेक्शन जो है हुआ था, बट उन बुलेट्स में जो है भैया वो जो बुलेट्स थी वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हुए नहीं दिखाई दी, और उनकी तरफ से जो है वो नॉक जो है वो जो एक क्रूशियल नॉक निकाल के जो पुश करने की कोशिश है आई थिंक बबलू की टीम की तरफ से वो जो है नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, एम के गेमिंग ने वहाँ पर जो आईएड के उज़म को वहाँ पर नॉक करके फिनिश कर दिया है। सो आईएड की टीम यहाँ पर जाते हैं, बट यहाँ पर जो एम के एफबी की तरफ से बहुत ही अच्छा नॉक आते हैं, वो जो ग्रेनेड था उसमें टोटली 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 ऑफ गार्ड पकड़े गए हैं यहाँ पे टीम वुल्फ एंड टीम वुल्फ यहाँ पे नॉक चलते। बट बबलू के जो पीका ओपी है, पीका ओपी उस तो ओनली वन सर्वाइविंग, वहाँ पर उन्होंने एक नेट फेंका, क्या उस नेट से कोई जाएगा? यस, बबलू के पीका ओपी उन्होंने स्मक को वहाँ पर ले लिया है विद दैट ग्रेनेड, और वहाँ पर जो है फटाफट से उन्होंने वहाँ पर जो रेक्स के ऊपर, टिकटॉक रेक्स के ऊपर एक मौली कर दी गई है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर उनको लगता है कि प्लेयर्स हैं, अगर वहाँ पे प्लेयर्स हैं तो वो प्लेयर्स जो हैं वहाँ पर जाकर जो है डायरेक्ट फिनिश हो सकते हैं वहाँ पे। बट टीचर्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बंदे आते हुए, बट कोई नहीं यहाँ पर आगे घुस के जो है पीका ओपी मारने की कोशिश, और यहाँ पर जो है मिलता है डी बी एस से मारने की कोशिश की गई, पर डीबीएस से उनका कनेक्शन नहीं होता। बट यहाँ पर जो ओपी और वॉट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कवर आता है बबलू के पी का ओपी, यहाँ पर जो है हमारे साथ गेम को जो है लीव करेंगे। बबलू की टीम जो बबलू के स्क्वाड था वो भी एलिमिनेट होते हुए यहाँ पे 52x के यहाँ पर स्क्वाड अगर देखो तो फिलहाल के लिए बहुत ही अच्छा गेम खेलते हुए फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है। अगर टीम सर्वाइविंग कर रहा है यहाँ पर देखो तो 1 2 3 4 5 6 टीम जो है सर्वाइविंग जो है यहाँ पर रह गए हैं,
एंड रिमेनिंग में अगर आते तो 19 बंदे टोटल यहाँ पर रहते थे, बट कोई नहीं चली यहाँ पर जो है छोटी टू एक्स के नॉक को अंदर जाते हुए जॉर्ड फ्लेक्स ने वहाँ पर लेजेंड के टीओजी खान को वहाँ पर दिखा दिया, बट 52X के नॉक को जो है क्या इनकी स्ट्रैटेजी उन्होंने, क्या ये लोग अंदर घुस के जो यहाँ पर स्लॉट ले पाएंगे। एंड यस उनको जो एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर डिप मिल चुकी है, उनको पता है कि ये जो डिप उनके लिए बहुत ही अच्छी रह सकती है। बट चलिए फिलहाल के लिए हम यहाँ पर चलते हैं जॉर्ड की टीम की तरफ। जॉर्ड कैस्ट्रो जो है यहाँ पर एक किल निकाल चुके हैं एंड फिलहाल के लिए थोड़ा सा होल्ड करें, क्योंकि उनका फ्लैक्स जो है लेवल वन का वो 50% जो ऑलमोस्ट आ गया, बट यहाँ पर फ्लैक्स एंड मून दोनों यहाँ पर नॉक होते हैं। बट यहाँ पर तो जॉर्ड कैस्ट्रो की टीम फुल यहाँ पर जो है इंस्टेंट वाइप हो रही है मिला फ्रॉम 52X की तरफ से यहाँ पे। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो FM की टीम वहाँ पर बिल्कुल बैठी है 52X नॉक डाउन, अगर वो इन एड वहाँ पर कनेक्ट होते तो वहाँ पर, बट नहीं वहाँ पर 52X वहाँ पर करते हैं उससे पहले ही वहाँ पर जो है आई गेस नेड से जो है वो जो एक एलिमिनेशन देखा गया था FM की टीम का आई गेस यहाँ पर। यस FM की टीम ने का इंस्टेंट एलिमिनेशन हुआ है यहाँ पर विद दैट वन ग्रेनेड फ्रॉम DW रीपर आई गेस सो। बट कोई नहीं यहाँ पर अभी जो आप बंदे देखो सर्वाइव करते हैं, DW की पूरी पूरी टीम वहाँ पर सर्वाइव करते हैं विद दोस 3 प्लेयर्स। और यहाँ पर जो 52 की टीम है यहाँ पर डाकू है और नॉक्टो है, आई गेस ये दो यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। बट टिकटॉक की तरफ से अगर आप देखें टिकटॉक रैक्स वहाँ पर है एंड OP और वॉट ये दोनों वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप टीम सर्वाइवल अगर आप देखें तो 7 बंदे यहाँ पर जो है सर्वाइव करते हुए फिलहाल के लिए। एंड सबको पता है कि जोन में घुसना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो वहाँ पर जो एक नेड आ रहा है और वो नेड जो है अगर ये कनेक्ट हो तो नॉक्टो के ऊपर नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नॉक्टो उसी तरफ भागते हुए हमको दिखाई दे रहे थे, बट OP और वॉट वहाँ पर बैठे हुए हैं एंड DW की टीम रीपर नेमर एंड फ्रेंकी वो वहाँ पर अपना थोड़ा सा स्नेक होकर जो है कहीं ना कहीं से जो है एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर तो 52X के नॉक्टो जो है थोड़ी DW की टीम के ऊपर जाते हुए क्या यहाँ पर जो है नॉक्टो को स्पॉट किया जाएगा, यहाँ पर जो है फ्रेंकी ने अगर नॉक्टो को स्पॉट कर लिया तो कहीं ना कहीं जो उनके लिए मुश्किलें हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अगर ये नॉक निकल गया तो डाकू अकेले रह जाएंगे। बट DW के रीपर स्टिल नॉक्टो वहाँ पर जो ऊपर आए थे बट उन्होंने फ्रेंकी की तरफ से निकालने के लिए, बट यहाँ पर जो फ्रेंकी ने विद दैट व्हीकल ब्लास्ट उन्होंने जो वहाँ पर नॉक्टो को कर दिया है नॉक डाउन। बट DW की टीम वहाँ पे फुल 3 बंदे अभी भी सर्वाइव करते हुए यहाँ पर शायद फ्रेंकी जो है जोन से नॉक हो चुके, नहीं यहाँ पर फ्रेंकी जो अभी नहीं हुए एंड नॉक्टो एंड डाकू दोनों के दोनों ही यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। सो द प्लेयर सर्वाइविंग राइट नाउ इज 5 एंड 3 प्लेयर्स जो है DW के यहाँ पर हम देख सकते हैं, 2 प्लेयर्स जो यहाँ पर OP और वॉट रह गए हैं, यहाँ पे OP और वॉट भी यहाँ पर जो है नॉक करके फिनिश कर रहे हैं। टिकटॉक रैक्स और ये नेड आते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल नेड और ये कनेक्शन भाई क्या ही, ये जो नेड आया DW की तरफ से विनर चिकन डिनर जो है हमने यहाँ पर देखा। DW की टीम ले गई है पूरी की पूरी 6 किल्स के साथ, फन किल फ्रॉम नेमर, इरफान 0 किल्स, रीपर 2 किल्स एंड फ्रेंकी 3 किल्स। सेकेंड टीम पर जो है OP और वॉट, पाब्लो स्मोक एंड टिकटॉक PFW रैक्स देख सकते हैं हम विद दोस्त 5 किल्स। थर्ड पोजीशन पे 52 की टीम आते हुए टाकू के 2 किल्स, नॉक्टो विद दोस 5 किल्स एंड 6 किल्स फ्रॉम फेरो, नाइस हो गया ये तो बिल्कुल ही, मतलब इनके पास जो है यहाँ पर किल्स 13 किल्स हो चुके हैं थर्ड पोजीशन में। फोर्थ पोजीशन पे जो है अगर आप देखें तो यहाँ आइए FM की टीम विद दोस 2 किल्स फ्रॉम नासिर एंड ज्यूस। फिफ्थ पोजीशन पे जॉर्ड कैस्ट्रो की टीम आते हुए विद 5 किल्स। सिक्स पोजीशन में MK गेमिंग की स्क्वाड TOG खान इसको गेमिंग NFB के यहाँ पर आते हुए 5 किल्स, 3 किल्स फ्रॉम FB के एंड 2 किल्स फ्रॉम गेमिंग। सेवन पोजीशन पे आते हुए बबलू की टीम यहाँ पर थोड़ा सा इस बार जो है पीछे रह गई है थोड़ा सा, बट कोई नहीं, बट किल्स के मामले में अगर देखो तो दे स्टिल हैव 6 किल्स। एट पोजीशन पे IQ की टीम आती हुई, I8 की टीम आते हुए एट पोजीशन पे विद 7 किल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाइन्थ पोजीशन पे जो है R2V की स्क्वाड यहाँ पर आते हुए विद 4 किल्स। टेंथ पोजीशन पे ये TRT के यहाँ विद दैट 1 किल। 11th पोजीशन पे OS की टीम गुरु YT डेविल ज्यूस एंड फेजी एंड और ये सब लोग हैं विद गुरु YT 1 किल एंड डेविल 1 किल। उसी के साथ अगर आप देखें तो 12th पोजीशन पे UNQ की टीम आते हुए विद 1 किल फ्रॉम रोमियो YT एंड 13th पोजीशन पे एक्स रेवनी की टीम, रेवनी की 3 किल होते हुए एंड शकाबूम का 1 किल होते हुए यहाँ पे। 14th पोजीशन में स्पिन्स की टीम आते हुए विद दैट 1 किल फ्रॉम गुलफाम XD एंड 15th पोजीशन पे डेडसेक की टीम आते हुए विद दोस 2 किल्स फ्रॉम लावा
एंड वजी वन वन ईच। 16 पोजीशन पे जो आप देख सकते हैं वो है स्टार की टीम आते हुए विद 2-0 किल्स। 17 पोजीशन पे आईसी की टीम आते हुए विद एसकेपी फ्रॉस्ट की तरफ से 1 किल आते हुए। एंड 18 पोजीशन पे जो नाइफ एफटी न्यूम नाइफ एंड पीजे रहमान की टीम 1 किल फ्रॉम नाइफ। एंड 19 पोजीशन पे जो है तूफान भाई थे हमारे जो मिलिट्री में उतरे थे। एंड 20th पोजीशन में पायरो कामी एंड रैम्बो विद 0-0 किल्स। तो इसी के साथ गाइस आज के जितने भी मैचेस हैं, 3 मैचेस होने थे, तीनों के लिए जो यहाँ पर जो फिनिश हो चुके हैं। एंड अगर आप देखें स्टार ऑफ द मैच यहाँ पर गोइंग ऑल आउट इस 6 डिफीट्स के साथ है 52x फेरो एंड बबलू पैन जो है यहाँ पर आए हैं। बेस्ट कंपेनियन 3 रिवाइज के साथ 0 असिस्ट एंड डी डब्ल्यू नेमार विद फिनिशर विद दैट फाइनल ग्रेनेड जो उल्टे हुए आया था भाई, जो ग्रेनेड जो उन्होंने फेंका था लास्ट का, बहुत ही अच्छा था। एंड गाइस बस इसी के साथ जो है आज के जो ये 3 मैचेस है वो यहाँ पे फिनिश होते हुए दिखाई देंगे। 3 मैचेस थे आज के लिए, आज के जो तीनों के तीनों मैचेस जो ऑल स्टार पबजी मोबाइल का जो थे, तीनों के तीनों मैचेस यहाँ पे फिनिश होते हुए। एंड फिलहाल के लिए अगर रिजल्ट्स का मैं एक बार मैनेजमेंट से पूछ लेता हूँ कि क्या सीन है, रिजल्ट्स दिखाते हैं। तो गाइस अभी के